अगर आपको याद हो तो ट्वेल्थ क्वेश्चन तक खत्म कर चुके थे सर लेकिन बड़े बड़े वीडियो बन रहे थे क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है तो बारह क्वेश्चन खत्म हो गए थे सर सर गाड़ी है है क्वेश्चन से और टोटल जी तीन पार्ट तो लग जाएंगे मेरे को भी लग रहा है तीन पार्ट तो लग जाएंगे मेरे को भी लग रहा है बिल्कुल लग रहा है सर जी तीन पार्ट लग जाएंगे तो आज गाड़ी चालू करेंगे थर्टीन क्वेश्चन से तेरह क्वेश्चन से तेरह क्या होता बिल्कुल चलिए तो करें चालू शानदार तरीके से चालू करते हैं थर्टीन क्वेश्चन से बढ़िया मजा आने वाला है एक नंबर मजा आने वाला है कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल सब ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं है ऑल वेल well, चालू करते हैं बढ़िया देखो आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन भैया ये रिएक्शन दे दिया आपको इतनी सारी और बोल दिया भैया बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट ये सब मांग रहा है मैंने कहा दे देंगे सर डरते अपन नहीं है अपन डरते नहीं है सब कुछ दे देंगे चलिए पहले देख लेते कितने क्वेश्चन दिए सर एक क्वेश्चन ये रहा एक क्वेश्चन ये रहा बी हो गया एक क्वेश्चन ये है एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है उसके बाद चालू होगा फर्स्ट क्वेश्चन से चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है ऊपर देखिए सर एजीबीआर C6H6O2 इससे रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है Ag2HBr और C6H4O2 इससे बन रहा है भैया ठीक है हमने कहा ओके कोई दिक्कत नहीं है सर ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस रखिएगा किस पे रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट पे AgBr में अगर मैं देखूं तो AgBr में अगर देखे तो सर जी ये प्लस वन है कौन Ag है ना Br होता है माइनस तो Ag क्या हो जाएगा प्लस वन और यहां पर Ag क्या है सर जी जीरो 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 तो प्लस वन से एजी कितना है जीरो है, शानदार कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल 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 एक तरफा ठीक है सर एक नंबर कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आई है अब बात अगर अपन करें इसकी किसकी कार्बन की किसकी बात करनी है सर जी कार्बन की इसका तो हो गया भैया रिडक्शन इसका होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए सर जी इसका ऑक्सीडेशन निकाल के देखिए एक बार इसमें मुझे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताइए जल्दी 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 फटाफट मजा तभी आने वाला है बिल्कुल शानदार तरीके से बताएंगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है कार्बन का जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा चलिए आया कुछ कुछ आया चलो अपन देखते हैं सजी सी सिक्स एच सिक्स ओ टू यही है चलो सर कार्बन का निकालना है उसको ऐसे लिख लो सिक्स सिक्स प्लस ये सिक्स और ये हो जाएगा माइनस टू इंटू माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो प्लस टू बचेगा क्या हो जाएगा माइनस टू बाय सिक्स माइनस वन बाय थ्री क्या हो रहा है सर जी माइनस वन बाई थ्री ठीक है इधर देखिए जरा इधर निकाल के देखेंगे सिक्स एक्स प्लस फोर और माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो ये कैंसिल तो सिक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो दैट मींस एक्स की वैल्यू जीरो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो आ रहा है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है माइनस वन बाई थ्री तो अब मेरी बात समझिए माइनस वन बाई थ्री से जीरो और प्लस वन से जीरो प्लस वन से जीरो माइनस वन बाई थ्री मतलब कुछ तो हो गई मतलब आप समझिए नेगेटिव में मतलब उसने देखो क्या है अपन पूरा स्ट्रक्चर नहीं खोलेंगे नहीं तो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती लेकिन माइनस वन बाई थ्री मतलब कुछ ना कुछ तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे और यहां पर देखिए जीरो आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए मतलब भैया यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए लॉस कर दिए मतलब यहां से यहां तक अपन को देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन लॉस का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस वन से जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए लिए और गेन कर तो क्या क्या कहलाता कहलाता है है भैया आप सब जानते हैं हैं सर जी रिडक्शन रिडक्शन इसीलिए अपन कह रहे का रिडक्शन सब्सटेंस है और यह वाला ऑक्सीडेशन ये देखिए सर एजीबीआर रिड्यूस सब्सटेंस है इसका रिडक्शन हो रहा है और ये वाला सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए देखिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस मैंने कहा बिल्कुल सर धन्यवाद और आपने पढ़ाया था सर जिस व्यक्ति का रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं रिडक्शन किसका एजीबीआर का वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देखो और जिस व्यक्ति का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये देखिए सर शानदार तरीके से बिल्कुल सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन का वन क्वेश्चन नंबर वन का वन सॉल्व आपके सामने मैंने क्या बोला था भैया कोई दिक्कत नहीं आई अगर दिक्कत आ जाए तो बात वाली बात दिक्कत आ जाए तो बात वाली बात जल्दी 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 फटाफट 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 मजेदार 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 लाजवाब क्या बोलना चाहिए सर लाजवाब बेमिसाल चलिए बिल्कुल 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 जल्दी करेंगे जल्दी हो गया डन चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलना है सेकेंड 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 ये देखिए सर अब इसमें देखेंगे क्या हो रहा है चलो <coughs> सर एस सी एच ओ है ये अपना टॉलेंस एजेंट है बेसिक मीडियम में तो सिल्वर बना रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया अमोनिया और ऑक्सीड वाटर बना लिया सर मैं तो कहता हूं टॉलेंस रिएजेंट को देखो टॉलेंस रिएजेंट में जब आप सॉल्व करके पता लगाओगे तो पता चलेगा ए प्लस वन होता है निकाल सकते हैं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं आप तो हर एक चीज मेरे साथ निकालने के लिए तैयार रहिए मैं तो तैयार हूं चलो इसको निकालना है एक्स मानो अमोनिया न्यूट्रल होता है जीरो इंटू टू टू वन तो एक्स की वैल्यू क्या आ आ गई वन आ गई तो सर जी सिल्वर का यहां पर प्लस वन आ रहा है ठीक है और इधर सिल्वर देखिए कुछ नहीं है तो ये जीरो सर साफ साफ दिख रहा है सिल्वर का तो रिडक्शन हो गया है सिल्वर का तो रिडक्शन हो गया है और सिल्वर का अगर रिडक्शन हो गया है तो सिल्वर इज द रिड्यूस सब्सटेंस देखो Silver नहीं एजेंट ये वाला रिड्यूस सब्सटेंस है ये वाला रिड्यूस सब्सटेंस ये देखो और अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा ये देखो मैंने क्या बोला आजकल अपन को चीजों में इतना घुसता नहीं है दो मिनट में आंसर आते हैं इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ है तो ये रिड्यूस सब्सटेंस है इसका रिडक्शन हुआ है ये ले लिया और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया बिल्कुल शानदार अब भैया मैंने क्या कहा था एल्डिहाइड को देखो जल्दी मेरे को इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो मैं मान जाऊं आपको जल्दी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता दो मैं मान जाऊं आपको जल्दी 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 भाई तभी मजा आएगा नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जल्दी नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा कुछ भी कर लो आप कितनी भी जान लगा लो देखो वैसे तो इसके लिए डायग्राम चाहिए रहता है डायग्राम से निकालते हैं लेकिन ऐसे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा एक्स दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो माइनस टू इक्व टू जीरो आ रहा है भैया एक्स इक्वल टू जीरो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो हो गया ठीक है भैया अब इसको देख लेते जरा एस सी ओ ओ माइनस क्योंकि भैया ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही तो बदलेगा काय में बदलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एच सी ओ ओ माइनस में हमने कहा ठीक है भैया एस सी ओ माइनस में बदलेगा ठीक है कार्बन को एक्स मानो वन माइनस कितना हो जाएगा फोर क्वल टू माइनस वन तो हो जाएगा माइनस थ्री टू माइनस वन तो साइड जाके थ्री माइनस वन टू आ रहा है भैया टू आ रहा है भैया कैसे आया टू एक और बार करके बता देता हूं देखो भैया सबसे पहले तो कार्बन का अपन ने एक्स ले लिया हाइड्रोजन का वन ले लिया अपन जानते ऑक्सीजन कितना होता है माइनस टू तो माइनस टू माइनस टू कितना हो जाएगा माइनस फोर टू माइनस वन तो अब ये देखिए ये हो जाएगा माइनस थ्री टू माइनस वन उधर जाके हो जाएगा थ्री माइनस वन तो एक्स की वैल्यू हो गई टू तो भैया अपन ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में ये प्लस टू है और फॉर्मल डिहाइड में ये क्या था जीरो था तो सर जीरो से प्लस टू जीरो मतलब एक भी नहीं गया प्लस टू मतलब दो चले गए चले गए मतलब ऑक्सीडेशन चले गए मतलब ऑक्सीडेशन मतलब एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है एल्डिहाइड जो है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहते हैं 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 रिड्यूसिंग एजेंट बिल्कुल एक तरफा एक तरफा एक तरफा एक तरफा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया ये हो गया सेकेंड वाला ये हो गया सेकेंड वाला बिल्कुल 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 शानदार 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 सेकेंड कंप्लीटेड सेकेंड कंप्लीटेड यस चलो भैया बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी स्क्रीन शॉट लेते चलो आ फिर से आया फिर से आया <coughs> सर एक बात तो समझ जाओ फिर से एल डी है जीरो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड है प्लस टू होगा तो ये तो मुझे फिर से दिख गया ऑक्सीडेशन मतलब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट देखिए एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट है बिल्कुल सर, मान, गया। मान गया और अब देखो सर मजा आएगा यहां पर कॉपर क्या दिख रहा है प्लस टू इधर निकालो इधर निकालो ये क्या क्या लाएगा टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो आ रहा है क्या आ रहा है वन आ रहा है क्या नहीं तो यहां पर प्लस वन अब समझो यहां पर दो गए थे यहां पर एक गए मतलब एक वापिस आ गया वापिस आ गया तो क्या कहलाता है रिडक्शन रिडक्शन यस सर ओ हो हो तो यहां भाई का हो गया रिडक्शन और जिस मतलब सीयू टू प्लस को रिड्यूस सब्सटेंस कहेंगे सी टू प्लस को रिड्यूस सब्सटेंस कहेंगे और जिसका रिडक्शन होता है इसको क्या कहते हैं क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये लीजिए भैया सीयू टू प्लस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है सीयू टू प्लस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है सीयू टू प्लस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है सर ये वो क्वेश्चन है जो आपसे फटाफट बनने चाहिए फटाफट बनने चाहिए तरीका बिल्कुल सिंपल है इसलिए बस मैं बोल रहा हूं गलती नहीं होनी चाहिए जल्दी नोट डाउन करो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो भैया जल्दी फटाफट जल्दी 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 मजा आ जाए एक नंबर क्या आ जाए मजा आ जाए एक नंबर चल डन हाँ अब आएगा मजा अब आएगा मजा चलिए डन एन टू ओ फोर पहले तो एन टू ओ एन टू एच फोर है सॉरी निकाल लो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस वन एन टू फोर फोर इक्वल टू जीरो माइनस फोर तो एक्स इक्वल टू माइनस टू सर जी माइनस टू आ रहा है टू आना और सर ये तो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया मतलब जीरो मतलब के दो इलेक्ट्रॉन लिए थे और जीरो का मतलब वो दो इलेक्ट्रॉन चले गए कहीं बेच आया मतलब भैया इलेक्ट्रॉन का लॉस कर आया इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आ गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन मतलब एन टू एच फोर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है यस एन टू एच फोर ऑक्सीडाइज सब्सेंस है और जिसका ऑक्सीडेशन होता इसको कहते है उसको रिड्यूसिंग बिल्कुल यह देखिए एन टू एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट है एन टू एच फोर रेड्यूसिंग एजेंट है जल्दी देखो फिर आगे बढ़ते हैं एन टू एच फोर रेड्यूसिंग एजेंट है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, बिल्कुल है. एन टू एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट है एन टू एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट है जल्दी एन टू एच फोर रिड्यूसिंग एजेंट है शानदार अब देखो आगे आगे देखेंगे आगे एच टू ओ टू सर याद करो क्या तुम्हें याद है हा मुझे याद है तो टू एक्स इक्वल टू माइनस टू तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बिल्कुल सर शानदार सर यहां आ माइनस वन और यहां पर क्या आएगा माइनस टू सर देखिए माइनस वन का मतलब एक की पॉकेट मार के जेब में इलेक्ट्रॉन रखा इधर के था भैया एक और रास्ते में मिल गया था दो दो की पॉकेट मार ली मतलब एक और इलेक्ट्रॉन उड़ा लिया इसने यहां से यहां तक में तो ये हो गया रिडक्शन क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एच टू ओ टू रिड्यूस सबस्टेंस एच टू ओ टू रिड्यूस सब्सटेंस है और जिसका रिडक्शन होता है इसको क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एच टू ओ टू को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे एच टू ओ टू को ऑक्सीडाइज एजेंट कहेंगे एच टू ओ टू को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे बिल्कुल एच टू ओ टू को क्या कहेंगे सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे तो सर जी ये था डी वाला जो कि हो चुका है समाप्त जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट स्क्रीनशॉट लो भैया मैं बाहर तब जाता हूं जब आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो यार स्क्रीनशॉट जरूरी है जितना आसानी से आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लोगे उतना फायदा हो जाता है फटाक से जल्दी 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 अच्छा क्लियर करके तो नहीं लेना है लो एक बार पूरा क्लियर करके चारों अच्छे से लिखना यही पूछा है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट जल्दी लो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट चलिए कल ले नोट डाउन कोई दिक्कत तो नहीं रही पक्का डन चलो अरे अभी तो एक और बाकी है <coughs> अभी तो एक और बाकी है एक और बाकी है एक और बाकी है चलिए सर एक और बाकी है चलिए क्या बोल रहा है देखते हैं पीबी प्लस पीबीओ टू प्लस एच टू एसओ फोर प्लस एच टू ये मजेदार है ये शानदार है ये लाजवाब है अब देखो जरा पीबी जो है ना पीबी है अपना जीरो पीबी कितना है अपना जीरो सर कुछ नहीं है कोई भी लेना देना नहीं है सब ठीक है पीबीएसओ फोर को देखो पीबीएसओ फोर है सर जी प्लस टू पी लस टू पी लस टू जीरो से प्लस टू का क्या मतलब होता है बस ये बता दो सर जीरो से प्लस टू का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ये आपने कई बार पढ़ाया है सर यहां पर कुछ नहीं गया था यहां पर दो इलेक्ट्रॉन चले गए दो इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन तो जीरो से प्लस टू मीन ऑक्सीडेशन जीरो से प्लस टू मतलब ऑक्सीडेशन आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है <coughs> तो सर पीबी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है पीबी जो है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है ये देखो ओ हो हो पीबी क्या है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है हमने कहा ठीक है पीबी क्या है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है ठीक है सर डन 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 आपकी बात सराखों पे पीबी <coughs> जो है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है ठीक है सर आगे आगे बताओ आगे आगे बताओ आगे हमने कहा ठीक है अब समझो और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है या नहीं कहा जाता है तो पीबी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये देखिए पीबी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जी बिल्कुल अब बात है पीबीओ टू की अब बात है पीबीओ टू की तो पीबीओ टू भी किसमें बदल रहा है सर वो भी पीबीएसओ फोर में ही बदल रहा है वो भी पीबीएसओ फोर में ही बदल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अब देखिए पीबीओ टू पीबीएसओ फोर में बदल रहा है पीबीओ टू की जब मैं बात करूं तो ये इससे जब मैं निकालूंगा तो यह हो जाएगा एक्स प्लस माइनस टू इंटू टू इक्वल्स टू जीरो माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू फोर ठीक है प्लस फोर यहां देखिए क्या है प्लस टू प्लस फोर से प्लस टू प्लस फोर से प्लस टू यहां बोल रहा था चार इलेक्ट्रॉन गए यहां बोल रहा है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन गए तो इसको कहते हैं अपन रिडक्शन और जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं सर जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यहां पर PbO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर PbO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या है सर जी PbO2 यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है PbO2 टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये देखिए PbO2 टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ ही साथ भैया PbO2 ही रिड्यूस सब्सटेंस है ये देखिए PbO2 ही रिड्यूस सब्सटेंस है तो भैया जैसे चाल थे वैसे ये वाला भी एक तरफा निकला कोई दिक्कत नहीं आई <coughs> एक तरफा निकला मजेदार लाजवाब एक तरफा जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 फटाफट 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 फड़ फड़। जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे जल्दी चलो बड़े आगे चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सर यस क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कह रहा है कंसीडर द रिएक्शन कंसीडर द रिएक्शन रिएक्शन को कंसीडर करिए भैया बिल्कुल रिएक्शन को कंसीडर करिए हमने कहा कल देंगे सर क्या कह रहा है s2o32- ठीक है <coughs> जब इसको आयोडीन के साथ कराते हैं तो बनाता है s4o62- 2i- ठीक है उसी s2o32- को जब br2 के साथ कराते हैं तो बनाता है so42- 4br- तो कह रहा है व्हाई डस द सेम रिएक्ट रिडक्टेंट सेम रिडक्टेंट मतलब भैया ये लोग ये दोनों सेम है थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन सर आयोडीन के साथ अलग रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है ब्रोमीन के साथ अलग रिएक्ट करके कुछ और बना रहा है पहले मैं कह रहा हूं कि भैया इसको उठा के लाओ जल्दी <coughs> ये जो किसके साथ कर रहा है आयोडीन के साथ और यहां पर क्या बना रहा है एस फोर ओ सिक्स माइनस टू मैंने कहा यहां से मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए इसका क्या चाहिए मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ ये हो जाएगा टू एक्स प्लस माइनस टू इंटू थ्री इक्व टू माइनस टू ये हो जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स इक्वस टू माइनस टू तो ये हो जाएगा टू एक्स इक्व टू फोर और एक्स की वैल्यू आ रही है टू पक्का तो यहां आ गई प्लस टू ठीक है यहां निकाल के बताओ कितना आ रहा है सर ये हो जाएगा फोर एक्स प्लस माइनस ट्वेल्व इक्वस टू माइनस टू फोर एक्स इक्वल टू हो जाएगा टेन तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू पॉइंट फाइव सर अभी लिख तो लो वैसे फ्रैक्शन में लिखते नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो देखो टू <coughs> से टू पॉइंट फाइव बना रहा है पक्की बात है सर ऑक्सीडेशन तो हुआ है ऑक्सीडेशन तो हुआ है मतलब I2 जो है इसने इसका ऑक्सीडेशन करवा दिया मतलब एजेंट है हाँ सर बिल्कुल आयोडीन होते भी हैं क्योंकि ये खुद का क्या करवा रहे हैं रिडक्शन देखिए आई माइनस बना लिया है तो जो व्यक्ति अपना रिडक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पक्की बात है और उसने करवाया भी ऑक्सीडेशन करवाया प्लस टू से प्लस टू पॉइंट फाइव मतलब उसके इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है इसीलिए इसको अपन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहे हैं अब मैं कहता तो हूं भैया जरा ब्रोमीन का भी केस लिख लो ब्रोमीन का केस क्या है या लिखेंगे या आया ब्रोमीन <coughs> ब्रोमीन आने के बाद क्या बना एसओ फोर माइनस टू ठीक है ये देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली वही आएगा प्लस टू सर इसको सॉल्व करके बताइए एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर इक्वल्स टू माइनस टू तो एक्स माइनस एट इक्वल्स टू माइनस टू तो एट माइनस टू एक्स इक्वल्स टू सिक्स एक्स की वैल्यू आ गई सिक्स प्लस सिक्स कितनी आ गई सर जी प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स बस दो मिनट में खत्म दो मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन दो मिनट में जल्दी देखिए <coughs> प्लस सिक्स अब आप देखो यहां पर क्या आ गया प्लस सिक्स तो प्लस टू से प्लस सिक्स सर हुआ तो यहां भी ऑक्सीडेशन है मतलब ये जो ब्रोमीन है ये यह भी यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकिन सर पता है क्या है ये स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यस इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू आयोडीन आयोडीन इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक है इसलिए इतनी तेजी से ऑक्सीडेशन नहीं करवाया थोड़ा सा करवा के छोड़ दिया ये था स्ट्रॉन्ग इसीलिए इसने ज्यादा तेजी से ऑक्सीडेशन करवाया क्या करवाया है ज्यादा तेजी से ऑक्सीडेशन करवाया जो कि अपन को देखने को मिल रहा है पहले इतना नोट करिए फिर बताता हूं आगे जल्दी 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 इतना नोट करिए पहले जल्द तो करा नोट डाउन तो कहने का यही मतलब है सर आयोडीन जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका काम है थोड़ा सा ऑक्सीडेशन करवाना ज्यादा नहीं इसलिए दो से ढाई हुआ और ये वाला कंपाउंड बना लेकिन सर ब्रोमीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो उसने क्या करा प्लस टू से सीधा प्लस सिक्स पहुंचा दिया इसीलिए दोनों के कंपाउंड अलग बने इसका यह बना और इसका ये बना ये रीजन था इसका जल्दी स्क्रीन शॉट लो सर जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी 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 तभी तो चीजें क्लियर होंगी तभी तो चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, जल्दी करेंगे सर जल्दी फटाफट फटाफट शानदार तरीके से शानदार तरीके से शानदार तरीके से मजेदार लाजवाब चलिए 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 कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं क्लियर हुआ डन लिख लिया स्क्रीनशॉट लिया लो चलिए अब आगे देखते हैं। <coughs> चल द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इन एस इज प्लस टू एंड द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जिसमें कन्वर्ट हुआ इज टू पॉइंट फाइव देखो यही बताया था वैसे लिखते नहीं है लेकिन लिख दिया द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस इज प्लस टू द ऑक्सीडेशन नंबर जब एसओ फोर में कन्वर्ट हुआ तो क्या है? प्लस सिक्स एस बी आर इज अट्रॉन्डाइजिंग एजेंट यही तो बोला मैंने strong होता है किसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ट ऑक्सीडाइज सलिए हायर में कन्वर्ट किया और यह बना दिया एज आई टू इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट ऑक्सीडाइज सल्फर ऑफ एस टू ओ थ्री आय टू अक्सीडेशन नंबर तो उसने कम ऑक्सीडेशन नंबर में किया जो कि था टू पॉइंट फाइव और इस आयन का थस थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन तो अलग अलग तरीके से उसने आयोडीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन दिखाई जल्दी।, <coughs> जल्दी 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 यह क्वेश्चन बढ़िया था सर यह पूछ सकता था आपसे आपसे यह वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता था बिल्कुल डैम श्योर पूछा जा सकता था सर यह क्वेश्चन <coughs> तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना जरूरी है डन ले लिया स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए अच्छा एक बार ले लीजिए जल्दी लीजिए इसका शॉट चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हुआ शानदार तरीके से समाप्त और अब मिलेंगे अपन चलेंगे आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सर बढ़िया क्वेश्चन एक तरफा क्वेश्चन चलिए सर देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन आ जाओ जस्टिफाई गिविंग ये पता है छोटी पेंसिल से बड़ा परेशान

बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है सर जी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने कहा बहुत बढ़िया सर थैंक यू सो मच क्या है सर जी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये भैया अपना रिडक्शन कराएगा दूसरे का क्या करके ऑक्सीडेशन लिख लो अपना रिडक्शन कराएगा और दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा दूसरे का क्या कराएगा ऑक्सीडेशन कराएगा। हमने का बहुत सही बात कही है इसीलिए इसको बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और सर इसका याद करो इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होता है इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन कोई नहीं छोड़ा सकता यह इलेक्ट्रॉन लेना जानता है देना नहीं इसने बचपन से एक ही चीज लिखी है एक ही चीज सोची है एक दो लोग हैं जो इससे छोड़ा लेते हैं वो कंडीशन है वो आएगी आगे के क्वेश्चन में लेकिन अगर यहां तक बात करो तो ये होता है बेस्ट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब समझो यहीं पर ये देखिए फ्लोरिन एफ टू कैन ऑक्सीडाइज सीएल टू सी टू सीएल माइनस को सीएल टू में बदल देगा उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा लेगा कौन फ्लोरिन बीआर माइनस को बी आर टू में बदल देगा उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा लेगा फ्लोरिन माइनस को आई टू में बदल देगा उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ा लेगा कौन फ्लोरीन तो देखिए एफ टू प्लस सीएल टू सी एल माइनस गिफ्स एफ माइनस और Cl2 टू देखिए फ्लोरीन के ऊपर कितना है सर जी जीरो। कितना है जीरो और इधर कितना है माइनस वन क्लोरीन के ऊपर कितना है माइनस वन और इधर कितना है जीरो देखिए सर क्या हुआ फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसका ले लिया क्लोरीन का और क्लोरीन बेचारा जीरो बन गया तो फ्लोरीन ने क्या करा अपना रिडक्शन करा लिया दूसरे का क्या करके ऑक्सीडेशन इसीलिए फ्लोरीन को कहेंगे बेस्ट क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि भैया वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है खुद का क्या करके रिडक्शन करके खुद का क्या करके सर जी रिडक्शन करके ये वाले काम कर रहा है मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है अगले में देखो फिर से फ्लोरीन ने बी आर माइनस को बदल दिया बी आर जीरो में अब देखो यहां पर कैसे <coughs> ये जीरो था ये माइनस वन था ये माइनस वन हो गया ये जीरो हो गया देखिए फ्लोरीन जीरो से क्या हुआ माइनस वन हो गया मतलब एक्स्ट्रा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बी आर माइनस था किसमें हो गया जीरो भैया क्या कर दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी फ्लोरिन किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है खुद का क्या करके रिडक्शन क्या करके रिडक्शन बिल्कुल अब यहां पर आइए एफ टू ये वाले को देखिएगा ठीक है पहले एक काम करो चलो यहां फ्लोरीन कितना है जीरो यहां फ्लोरीन कितना है माइनस वन यहां पर कितना है माइनस वन और यहां पर कितना है जीरो अब अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लोरीन ने जीरो से माइनस वन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया गेन किया मतलब रिडक्शन होता है ठीक है आयोडीन से क्या हुआ ये इसने लॉस कर दिया देखिए ना कैसे लॉस किया माइनस वन से जीरो तो पर हो गया लॉस और लॉस का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन इसीलिए यहां पे भी फ्लोरीन को क्या कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब उसने क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन करवा दिया ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन करवा दिया और आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन करा दिया खुद का क्या करके रिडक्शन दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसीलिए उसको अपन क्या कहते हैं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरे हिसाब से इस वाली बात में तो कोई दिक्कत की नहीं तो होनी चाहिए तीनों रिएक्शन बिल्कुल ईजी है तीनों की तीनों रिएक्शन कैसी है सर जी ईजी तीनों रिएक्शन कैसी है सर जी ईजी एक तरफा <coughs> बिल्कुल कतई जहर कैसी सर जी कतई जहर कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं आनी चाहिए जल्दी नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी 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 मजेदार तरीके से नोट डाउन करेंगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए डन 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 हो गया चल चलिए क्लियर है स्क्रीनशॉट लो एक ठीक है अब देखिए सर तो इस केस से अपन बोलते हैं कि सी एल टू बी आर टू एन आई टू ऑक्सीडाइज एफ माइनस टू एफ टू ठीक है फ्लोरिन कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता लेकिन फ्लोरीन सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन इंक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ गिवन ब्लो सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है फ्लोरिन उससे कम क्लोरीन उससे कम ब्रोमीन और आयोडीन सबसे कम तो ये जो ऑर्डर है ये है ऑक्सीडाइजिंग पावर का किसका है सर जी ऑक्सीडाइजिंग पावर का यह जरूर लिखिएगा कि सर अगर आपने क्लोरीन फ्लोरीन ले लिया तो फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है क्लोरीन के कंपैरिजन में अगर आपने ब्लोरी आ, ब्रोमीन और क्लोरीन ले लिया तो क्लोरीन ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू ब्रोमीन और अगर आपने ब्रोमीन हाउोड्रीन ले लिया तो ब्रोमीन इज मोर एंड मोर ऑक्सीडाइजिंग नेचर एज कंपेयर टू आयोडीन मतलब भैया ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए इसीलिए बोलते हैं फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट अमंग हेलोजन के अंतर्कल और पहली बात तो हेलोजन सी सबसे बेस्ट होते हैं और उसमें भी फ्लोरीन का नाम बेशुमार है एकदम बेशुमार है सबसे ऊपर है भैया फ्लोरीन सबसे ऊपर है फ्लोरीन फ्लोरिन शेर है शेर क्या है फ्लोरीन शेर है शेर शेर चलो <Coughs> पक्का आगे बढ़े अब समझो सर अब आता है आपके हेलोजन है, सॉरी हाँ हेलोजन एसिड जैसे कि एच आई एच बी आर एस सी एल और एच एफ इनकी बातें करनी है अपन को इन सारे हेलोजन एसिड्स की बात करेंगे अपन आज हेलोजन एसिड्स की बात करेंगे अपन आज बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से इन हेलोजन एसिड्स को देखेंगे अपन और हो जाएगा सर बढ़िया मजा आएगा इन हेलोजन एसिड्स पे आप टेंशन मत लीजिएगा शानदार मजा आने वाला है इन पे ठीक है इनके बारे में भी देखते हैं ठीक है चलो क्लियर है यहां तक पहले एक बार ये ऊपर का स्क्रीन ले लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपन को अब बात करनी है किस पे इन्हीं लोगों पर हेलोजन एसेट्स पे बात करनी है चलो जल्दी स्क्रीन लो जल्दी जल्दी स्क्रीन लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो चलिए एच आई एंड एच बी आर कैन रिड्यूस एच टू एस फोर टू एसओ टू ठीक है भैया रिड्यूस कर दिया रिडक्शन करवा दिया किसने एच आई और एच बी आर ने बट एस सी एल एंड एच एफ कैनॉट हेंस एच आई एंड एच बी आर आर स्ट्रॉगर रिडक्टेड कंपेयर टू एस सी एल एन एच एफ मतलब सर क्या हुआ एच टू एस फोर को एच टू एसओ फोर को एसओ टू में तब्दील कर दिया किसने तब्दील कर दिया सर? का निकाल लू, लू बेटा एस का तो क्या आएगा जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ सर जी मोस्ट सिक्स आना चाहिए और यहां पर जो आएगा वो आएगा प्लस फोर आएगा मतलब बेसिकली इसका रिडक्शन करवा दिया इसका रिडक्शन करवा दिया और अगर वो दोनों इसका रिडक्शन करवा रहे हैं दैट मीन ये लोग यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं किसकी तरह काम कर रहे हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसकी तरह काम कर रहे हैं ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं <coughs> किसकी तरह काम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह मैंने कहा ठीक है सर अच्छी बात है किसकी तरह काम कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं ठीक है डन 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 किसकी तरह काम कर रहे हैं कि रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं हमने कहा ठीक है डन कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, है क्या बोला ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर ये लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं लेकिन जब हम बात करें एस और एच की तो ये लोग ये लोग नहीं करवा पाते एच को एसओ में तब्दील ये नहीं हो सकता मतलब ये लोग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहे हैं यह दोनों भली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं लेकिन ये नहीं तो इनके कंपैरिजन में अपन ये अल्टीमेटम दे सकते हैं कि HI और इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू एस और एच इतनी बात क्लियर है क्या नहीं इतनी बात क्लियर है क्या नहीं यही उसने बोला था अभी यही उसने बोला था यही उसने बोला था कोई भी दिक्कत की बात यहां तक नहीं है जल्दी एक तो उसने F2 की बात करी थी और एक उसने एच की बात करी थी इसीलिए एचआई बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और F2 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी हो गया डन भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है हां ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है बिल्कुल चल ठीक अब यहां देखिए यही देखिए यही काम हुआ है एच आई को एच टू एसओ फोर के साथ डाला तो क्या बन गया आई टू बन गया एसओ टू और एच टू मतलब खुद का क्या कर लिया खुद का ऑक्सीडेशन कर लिया दूसरे का क्या करके रिडक्शन इसीलिए अपन ने इस व्यक्ति को कहा रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा रिड्यूसिंग एजेंट अब यहां देखो एच बी आर ने भी यही करा आर टू बना लिया ऑक्सीडेशन करके और भाई का रिडक्शन कर दिया इसलिए इसको क्या कहा अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों को अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट का नाम दिया इवन आई माइनस तो कॉपर टू प्लस को कॉपर में भी कर देता है लेकिन ब्रोमीन नहीं कर पाता ये देखो कॉपर टू प्लस था देखो आ जाओ आई माइनस था कॉपर यहां पर टू प्लस था तो आगे चल के क्या देखने को मिला कॉपर प्लस हो गया और आई टू बन गया तो यहां पर बात को समझिए माइनस वन से जीरो मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो गया आहा! और सामने वाले इसको क्या कहते हैं भैया माइनस बी ये काम नहीं कर पा रहा है इसीलिए एच आई सबसे तगड़ा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है देयर फोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट अमंग हाइड्रोहेलिक कंपाउंड ये थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर यह हाइड्रो आयडिक आएगा रुक जाओ हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा हाइड्रो होगा ये थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत हो गया हाइड्रो एसिड इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग हाइड्रोहेलिक एसिड और देखिए इसके अंदर हैंस रिड्यूसिंग पावर ऑफ हाइड्रोहेलिक एसिड इंक्रीजेस एज गिवन बिलो सबसे पावरफुल कौन है एच आई और सबसे वीक कौन है एच एफ बिल्कुल ये ऑर्डर होता है सर जी रिड्यूसिंग एजेंट का जल्दी 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 शानदार क्वेश्चन था मजेदार क्वेश्चन था लाजवाब क्वेश्चन था <coughs> जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 <coughs> फटाफट 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 जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा हो जाए तो बताइएगा बिल्कुल 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 चलिए डन चलिए करिए इसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 हो गया डन चल क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वेरी गुड वाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स ये रिएक्शन क्यों हुई अच्छा एक्ससी सिक्स एफ फोर प्लस टू एफ माइनस सिक्स एच प्लस एक्सीओ थ्री प्लस एफ टू प्लस थ्री एच टू अभी मैंने कहा था बहुत कम केस है कि फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और वो केस आपके सामने आ गया यहां पर फ्लोरीन माइनस वन है और यहां चेक करिए यह फ्लोरीन जीरो है मतलब भैया फ्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन फ्लोरीन का हो गया ऑक्सीडेशन भाई ताजुब की बात है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है इधर जेनॉन का जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइए जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसको क्या मानेंगे x जल्दी बताओ हाँ ऑक्सीजन क्या होता है माइनस टू इंटू सिक्स इक्वल टू माइनस फोर तो x माइनस एट इक्वल टू नहीं नहीं ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आएगा ट्वेल्व आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। तो x 12 माइनस फोर इज एट तो भैया यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस एट सर इससे ज्यादा होती भी नहीं है इधर आ जाओ एक्सीओ ये तो सिंपल दिख रही है कितना आ रहा है सिक्स कितना आ रहा है सिक्स कितना आ रहा है सिक्स तो आप खुद देखिए जरा आप खुद देखिए पहले इसका नोट डाउन करो पहले एक बार नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं एक बार नोट डाउन कर लो बिल्कुल <coughs> जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो हो जाए नोट डाउन तो बताइएगा बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए सिक्स पे आ गया है ना भाई आठ से सिक्स पे आना मतलब दो इलेक्ट्रॉन का गेन दो इलेक्ट्रॉन का गेन ही बोलेंगे दो इलेक्ट्रॉन का गेन बोलेंगे और गेन का मतलब क्या होता है गेन का मतलब होता है रिडक्शन गेन का मतलब क्या होता है रिडक्शन मतलब भैया यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है क्या हो रहा है सर जी यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अब भैया बात यही आ रही है ऐसा क्यों वॉट कंक्लूजन अबाउट द कंपाउंड एन ए फोर सी सिक्स ऑफ विच एन एज अ पार्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन अब यहाँ पर बात को समझिएगा सर इसके पास कोई मौका नहीं था यह जो जिनोन था यह कंपाउंड ऑलरेडी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था प्लस एट सर क्या ऊपर जा सकता था प्लस एट से नहीं सर उससे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का खेल ही नहीं है तो यह डेफिनेटली पीछे ही आता और उसने वो ही किया वो कहां पर आया पीछे आया प्लस सिक्स पे तो सर इसका ऑक्सीडेशन करना चांस ही नहीं था केमिस्ट्री के अंदर तो इसको ना चाहते हुए भी रिडक्शन करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना पड़ा कम करना पड़ा सर ऑप्शन नहीं है ना उसकी रेंज ही प्लस एट तक है अब रेंज के आगे तो जाएगा नहीं अगर रेंज ही फाइनल प्लस एट है तो वो पीछे ही आएगा वापस तो पीछे आके कहां आया प्लस सिक्स पे आया तब तो जाके फ्लोरीन को अपना सेक्रीफाइस करना पड़ा और अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ा क्योंकि फ्लोरीन के पास ऑप्शन है कि भैया वो वापस अपनी एक स्टेज पे आ सकता है इसीलिए भैया इसका रिडक्शन हुआ और फ्लोरीन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट हां अगर एक्सीओ थ्री यहां होता तो फिर चांस था कि ये एक्सी सिक्स में कन्वर्ट हो जाता प्लस एट में चले जाता लेकिन प्लस आठ से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जाती नहीं है और जाती नहीं है तो इसीलिए इसमें कुछ हो नहीं पाया तो ये बात आपको यहां से पता चलनी चाहिए थी जल्दी नोट डाउन करेंगे फिर अपन देखते भी आगे क्या लिखा हुआ है इसमें फटाफट फटाफट जल्दी।, <coughs> जल्दी 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 <coughs> जल्दी 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 <coughs> कोई दिक्कत हो तो बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी <coughs> पक्का ऑल क्लियर ऑल क्लियर चलिए ये देखो यही बोला था द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिनॉन रिड्यूसेस फ्रॉम प्लस एट टू प्लस सिक्स इन एक्सी थ्री द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इंक्रीजेस फ्रॉम माइनस वन टू जीरो इन एफ टू यही अपन ने बताया था स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं जल्दी एक्स ओ सिक्स इज रिड्यूज ऑन द अदर हैंड एफ वन इज ऑक्सीडाइज एस सोडियम ये वाला एन ए टू एक्सी नहीं आएगा यहां पर फिर फोर आएगा और यहां पर यह फोर माइनस का नहीं आएगा हा ऐसा आएगा इज अ स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फ्लोरिन द रिएक्शन अकर्स क्योंकि भैया स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए बना क्योंकि भैया वो अपना रिडक्शन ही करवा सकता था ऑप्शन ही नहीं है रेंज प्लस एट पहुंच चुकी थी अब बाबू इससे आगे नहीं जाएगा बबुआ जब आगे नहीं जाएगा तो रुकना ही पड़ेगा रुकना ही पड़ेगा जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी चलो करेंगे, जल्दी नोट डाउन करो स्क्रीनशॉट लो जल्दी ले लिया चलिए हो गया स्क्रीनशॉट ठीक डन ओ क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन बढ़िया क्वेश्चन है ठीक है भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप देखते हैं जरा कंसीडर द रिएक्शन भैया आपको चार रिएक्शन दी हुई है आपको चार रिएक्शन दी हुई है एच थ्री पीओ टू ए जी एनओ थ्री प्लस एच टू ओ एच थ्री पीओ फोर ए जी एच थ्री फिर आपको दिए एच थ्री पीओ टू कॉपर सल्फेट एच टू ओ एच थ्री पीओ फोर कॉपर प्लस एच टू एज ओ फोर फिर आपको दे दिया तो कौन सी फेलिंग टेस्ट अच्छा फेलिंग टेस्ट अभी आपको समझ में नहीं आएगा अगर होते कौन ट्वेल्थ वाले तो समझ जाते फेलिंग टेस्ट है ये टॉलेंस रिएजेंट वाला टेस्ट है ठीक है वॉट इंटरफेरेंस डू यू ड्रॉन अबाउट द बिहेवियर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर फ्रॉम दिस रिएक्शन इन रिएक्शन से सिल्वर और कॉपर के क्या कंक्लूजन क्या इंटरफेरेंस आप निकाल के बताएंगे तो क्वेश्चन बढ़िया है इतना कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है लेकिन स्कूल्स में पूछने वालों में से कम क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूं कि स्कूल्स में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा जल्दी पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन कम पूछा जाएगा कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं कौन से क्वेश्चन के चांसेस कम है ये सारी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कोई दिक्कत देखने को ना मिले जैसे कि इस क्वेश्चन में इसमें चांसेस बहुत ज्यादा कम है इस क्वेश्चन को पूछने के तो हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए तो ओपन करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट चलिए करें क्वेश्चन चलो सर।, सर एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे बढ़िया है क्वेश्चन सर अगर आप देखें तो एच थ्री पीओ टू और एजी एनओ थ्री की रिएक्शन हुई वाटर के साथ में तो बनाया एच थ्री पीओ फोर और देखिए एजी अकेला मिल रहा है दिख रहे हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो Ag यहां पर था प्लस वन प्लस वन से Ag कितना हो गया जीरो मतलब Ag ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब Ag ने अपना क्या कर लिया रिडक्शन और जो व्यक्ति अपना रिडक्शन करता है उसको अपन क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट तो भैया उसको अपन क्या कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन एजी प्लस यहां पर किसका तरीके का काम कर गया सर रिड्यूसिंग एजेंड का हमने कहा ठीक है भैया जिसका सिंपल सी बात है जिसका रिडक्शन होता है सॉरी गलत लिख दिया गलत लिख दिया गलत लिख दिया जिसका रिडक्शन होता है उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गलत लिख दिया बिल्कुल गलत लिख दिया सर सर जिसका रिडक्शन हुआ है आपको देखिए ना एजी प्लस से उसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो क्या कहलाएगा रिडक्शन और जिसका रिडक्शन होता है सर उसको अपन कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन क्या होता है उसको अपन क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बेसिकली इस वाले केस एजी प्लस क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले वाले केस में। फिर नीचे आइए ये, ये देखिए कॉपर कॉपर क्या है प्लस टू ठीक है उसने भी एच थ्री पीओ फोर बनाया और ये देखिए कॉपर जीरो बन गया ओहो कॉपर ने भी इलेक्ट्रॉन ले लिया दैट मीनस यहां पर जो कॉपर टू प्लस था उसका भी क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है और अगर कॉपर प्लस टू प्लस का रिडक्शन हुआ है तो सर इसको भी क्या कहेंगे रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब सेकेंड केस में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है कॉपर तो मतलब पहली वाली रिएक्शन और दूसरी वाली रिएक्शन में देखने को मिला कि एक केस में Ag प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और दूसरे वाले में कॉपर टू प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है दोनों ने अपना रिडक्शन किया और एच थ्री टू का ऑक्सीडेशन करवा दिया ठीक है सर पहला कंक्लूजन अपने सामने पहला कंक्लूजन अपने सामने ठीक है चल आगे सुनो आगे सुनो आगे सुनो थर्ड रिएक्शन में देखें तो भैया बेन्जल डिहाइड को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडेशन करवाया यहां पे भी एजी प्लस वन है आप निकाल के देखना अगर आप यहां पर निकालना चाहो चलो निकाल लेते यह बात क्लियर हुई ना कि फर्स्ट और टू में ठीक है एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एन इक्वेशन सेकेंड एजी प्लस एंड कॉपर प्लस टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिल्कुल ठीक है सर डन 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 ये फर्स्ट पॉइंट आ गया फिर अगर आप यहां देखो थर्ड वाले में तो यहां Ag प्लस एनएच थ्री ओल्ड प्लस का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ये देखो ये प्लस यही था देख लो एक बार यही है इसका निकालना है एक्स ठीक है इसको निकालना है ना ठीक है, है सर जी जीरो इंटू टू इक्वल्स टू क्या जाएगा प्लस वन तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस वन मतलब यहां पर भी इसकी वैलेंसी कितनी है प्लस वन किसकी सिल्वर की ठीक है सर और यहां पर फिर देखिए सिल्वर क्या हो गया जीरो हो गया ओ फिर से सिल्वर ने अपना क्या कर लिया रिडक्शन कर लिया क्या कर लिया रिडक्शन तो इस केस में भी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इन इक्वेशन थर्ड पहले नोट डाउन करो भैया पहले नोट डाउन करो भैया पहले नोट डाउन करो भैया नोट डाउन करो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे नोट डाउन जल्दी नोट डाउन करेंगे बिंदास्त नोट डाउन ठीक है तो यहां पे भी भैया सिल्वर ने रिडक्शन कर लिया इन इक्वेशन थ्री एजी प्लस के फॉर्म में है. ही है ना टॉलेंस रिएजेंट होता है ये लेकिन ये भी प्लस के फॉर्म में है बी एज एस बी एज एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है ठीक है अब फोर्थ इक्वेशन में देखो फोर्थ वाली में इसमें क्या है सर जी बेंजल था अब इसमें ले लिया कॉपर टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अभी अपन ने देखा था तो ये भी क्या करेगा इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद का रिडक्शन कर लेगा ठीक है नो चेंज ऑब्जर्व मतलब नहीं हुआ सिल्वर ने तो कर दिया था ऑक्सीडाइज सिल्वर ने तो इसका ऑक्सीडेशन करा के खुद का रिडक्शन कर लिया था लेकिन कॉपर नहीं कर पाया तो भैया फोर्थ रिएक्शन ये कंक्लूड करती है इन इक्वेशन फोर से यह पता चलता है कि ऊपर वाले केस में तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था तो यहां पर यह लिखा जाएगा ए जी प्लस इज स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू टू कॉपर टू प्लस बस ये चार्ज से अपन को यही पता चलता है यह चार्ज से अपन को यही पता चलता है कि सर जी एजी प्लस स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू कॉपर टू प्लस बिल्कुल तभी उसने थर्ड वाली रिएक्शन दे दी लेकिन फोर्थ में सी यू टू प्लस काम नहीं कर पाया तो ये था जो अपन को निकालने थे क्या सर जी इन सारे चीजों से क्या अपन को पता चलता है तो वॉट इंटरफेरेंस डू यू ड्रॉ अबाउट द बिहेवियर ऑफ ए जी प्लस एन सी यू टू प्लस फ्रॉम दिस रिएक्शन तो ये रहे आपके सामने बिहेवियर्स ये रहे आपके सामने बिहेवियर्स जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे देखते हैं जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे देखते हैं बिल्कुल 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 शानदार तरीके से देखेंगे टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है जल्दी 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 फटाफट 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 बढ़िया हो गया डन चलो नहीं ऐसे क्लियर नहीं करना है ऐसे क्लियर नहीं करना है बाबू बाबू आ ऐसे क्लियर नहीं करना है चलो ये देखिए सर देखो आ जाओ जल्दी आ जाओ Ag+ plus and Cu2+ behaves as strong oxidizing agent in reaction first and two respectively देखा पहले और दूसरे में दोनों के दोनों oxidizing agent की तरह काम कर रहे हैं in third reaction Ag+ plus oxidized benzaldehyde to benzoic acid मतलब third reaction में Ag+ plus ने किसकी तरह काम किया है oxidizing agent की तरह लेकिन fourth reaction में Cu2+ cannot oxidized देयर हमने बोला फोर्थ रिएक्शन नहीं हुई थी इसीलिए एजी प्लस इज अ स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू कॉपर एजी प्लस इज स्ट्रॉगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू सी यू टू प्लस बिल्कुल ने जो बताया वही चीज इन्हें भी बताई है कोई दिक्कत की बात नहीं है बस फुल टू लिख लीजिए बढ़िया तरीके से लिखिए जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। फटाफट हो जाए तो बताइएगा मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल 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 चिल, चिल। ओ बैलेंस सजी बैलेंसिंग अब आएगा ना मजा अब आएगा सर मजा बैलेंसिंग में तो आप जानते हो मजा आता है सर सर ये क्वेश्चन जाएंगे बड़े क्वेश्चन नंबर एटीन बैलेंसिंग है सर बैलेंसिंग और कैसे करनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड किससे करनी है सर जी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल करें करे चालू भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए पहले ही बोल दे रहा हूं मैं ठीक है और अगर दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा अपन देख लेंगे सबको अपन देख लेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल 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 जय चिल क्या सर जस्ट चिल ठीक है बिंदास लाजवाब ठीक है बढ़े आगे आगे बढ़े चलो पीछे चलना पड़ेगा भैया इसके लिए वही होगा सारा खेल चलो आ जाओ क्या है सर जी एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ फोर माइनस चलो प्लस आई माइनस ठीक है फिर एम एन ओ टू एम एन ओ टू आई टू चलो काय में बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में किसमें सर जी बेसिक मीडियम में करना है कोई दिक्कत नहीं कर देंगे अपन चलो लिख लो आ जाओ किसमें करना है बेसिक मीडियम में ना ठीक है बेसिक मीडियम में करना है किसमें करना है बेसिक मीडियम कहा ठीक है 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 सर सर कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले जो स्टेप होती है, वो होती वो कि भैया किसी भी रिएक्शन को अपन मोलिकुलर फॉर्म में लिख लो किसमें लिख लो पहले तो मोलिकुलर फॉर्म सॉरी आयन वाले फॉर्म में लिख लो लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर अपन को आयनिक फॉर्म में दिख रही है रिएक्शन इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है टेंशन मत लो आप तो पहले इसको करो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बस आप किस में तोड़ो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पहले तभी मजा आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो हमने कहा ठीक है सर पहले तो उसको डिवाइड कर लो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल में हमने कहा ठीक है सर सर आ जाओ सर इसको मानेंगे अपन प्लस ऑक्सीजन कितना होता है जल्दी बताओ ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है एन की इक्वल्स टू क्या है सर जी माइनस वन बहुत ही बढ़िया तो एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन कितना हो जाएगा बेटा सेवन तो पहले तो हम यह पहचान रहे हैं कि, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन तो ये हो गया प्लस सेवन बिल्कुल यहां तो दिखी रहा है माइनस वन है यहां निकालो एक्स प्लस माइनस टू इंटू टू इक्वल्स टू जीरो तो एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो तो एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस फोर और ये हो जाएगा जीरो बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है अब अगर आप प्यार से देखो इतना क्लियर हो गया हो तो बताओ मेरे हिसाब से इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जल्दी 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 इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होंगी बिल्कुल डन डन चलो अब देखो प्लस सेवन से प्लस फोर सर जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए क्यों सात चले गए थे यहां पर चार ही गए मतलब तीन आ गए तीन आ गए तो गेन और गेन को अपन क्या कहते हैं ये बताओ पहले तो सर गेन को रिडक्शन कहते हैं मैंने कहा बहुत शानदार और यहां से देखो यहां पे सर जी यहां पर था माइनस वन माइनस का वन का मतलब इसने एक का चुराया था अब वो चला गया चला गया तो लॉस तो लॉस को क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन मिल गया सर ये ऑक्सीडेशन सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल यहां तक क्लियर है क्या नहीं पहले बताओ यस और नो यस और नो जल्दी 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 यस और नो जल्दी जल्दी बताएंगे यस और नो हो गया डन डन चलो अब भैया स्टेप वन बनाओ अब बनाओ स्टेप वन डिवाइड इंटू टू हाफ सेल टू हाफ सेल कौन कौन से हाफ सेल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन चलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल और यहां पर रिडक्शन हाफ सेल चलो डन आ जाओ ऑक्सीडेशन में कौन है सर जी आई माइनस तो आई माइनस से अपन ने इसको तब्दील कर लिया आई टू में ठीक है इधर पे रिडक्शन में क्या हो रहा है सर जी एम एन ओ फोर माइनस सही कन्वर्ट हो रहा है एम एन ओ टू चलो ये हो गया भैया स्टेप वन ये क्लियर हुआ सबको स्टेप वन क्लियर हुई कि उसमें अपन ने क्या कर लिया दोनों को डिवाइड कर लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फिर स्टेप टू फिर स्टेप टू बैलेंस ऑल द एटम्स बैलेंस ऑल द एटम ठीक है और ऐसा लिख लो एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ठीक है पहले अपन बाकी सबको करते हैं फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को करते हैं चलो फिर से वही ऑक्सीडेशन वाला I माइनस से यहां पर क्या है आई टू तो सर यहां पर आयोडीन कितने दो तो यहां पे भी लगा दो टू ये हो गया बैलेंस ठीक है इधर आ जाओ एम एन ओ फोर माइनस से क्या हो जाएगा एम एन ओ टू सर जी पहले आप ध्यान से देखो तो एक ही Mn है एक ही एम एन है बस बैलेंस अच्छा ऑक्सीजन को नहीं करना है मना किया उसने एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लिखा है हमने कहा ठीक है सर बिल्कुल मना किया तो मना किया कोई दिक्कत थोड़ी है जबरदस्ती थोड़ी है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है चेल चलिए तो फिर मैं कहूंगा कि भैया इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं चौथा चौथा एक बार चौटा हो जाएगा तो फिर अपन इनको बढ़िया तरीके से काम करके पाएगा चलिए अब नंबर स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री ठीक है बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं किसके करते हैं ऑक्सीजन को आ जाओ टू आई माइनस इसमें तो करना ही नहीं है ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ठीक है इधर आओ इधर होगा बैलेंस तो इधर होगा बैलेंस तो चलो अब देखो सर रूल ये बोलता है ऑक्सीजन को हमेशा पानी से बैलेंस किया जाता है किससे पानी से इधर कितने ऑक्सीजन से चार इधर कितने दो तो सर इधर दो ज्यादा है तो इधर पे दो लाने पड़ेंगे और मैंने कहा एक ऑक्सीजन एक पानी तो इधर कितने दो दो ऑक्सीजन ज्यादा है तो इधर ले आइए दो पानी क्योंकि सर एक पानी में एक ऑक्सीजन होता है तो अब चेक करो यहां पर कितने चार यहां पर देखो दो और दो चार हो गए सर चार हो गए हो गए हो गए ऑक्सीजन बैलेंस हो गए लेकिन सर हाइड्रोजन करने पड़ेंगे इधर हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H प्लस से किससे करते हैं बेटा H प्लस तो अब देखो कितने हाइड्रोजन हो गए चार तो इधर साइड चार एच प्लस ले आइए ये लीजिए तो याद रखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से और H प्लस वो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H प्लस से ये लीजिए भैया स्टेप तीन इन स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताइए इन स्टेप में कोई दिक्कत हो तो बताइए जल्दी 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 मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जल्दी क्योंकि मेरे को अब स्टेप ऊपर की हटानी पड़ेगी एक दो स्टेप्स को ऊपर का हटाना पड़ेगा तभी अपन काम कर पाएंगे नहीं तो अपन काम नहीं कर पाएंगे जल्दी <coughs> एक दो स्टेप्स को ऊपर का हटाना पड़ेगा जल्दी 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 तेजी में तेजी में तेजी में बिल्कुल 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 चलो हटा दो ऊपर की एक दो स्टेप ठीक है तो स्टेप नंबर थ्री तक हो गया था <coughs> चलो अब बैलेंस करेंगे चार्ज ठीक है स्टेप नंबर फोर बैलेंसिंग द चार्ज और किसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की मदद से, से अपन चार्ज को बैलेंस करेंगे किसको बैलेंस करेंगे चार्ज को ले आइए सर ले आइए सर ले आइए ठीक है क्या है टू आई माइनस से आई टू चलो अब देखना बेटा प्यार से देखना कोशिश करना समझने की सर इधर पे आई के ऊपर कितना चार्ज है माइनस वन तो सर ये तो एक आई पे है माइनस वन यहां तो दो आई है तो टोटल कितना हो जाएगा सर जी माइनस टू चार्ज होगा इधर लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टू चार्ज है ठीक है आई टू मतलब क्या चार्ज है सर कुछ नहीं आई टू का मतलब जीरो चार्ज है तो एक साइड जीरो है और एक साइड कितना है माइनस टू है सर इन दोनों को बराबर करना है तो सर और किसकी मदद मतलब से बराबर करोगे इलेक्ट्रॉन की मदद मतलब से और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है माइनस वन तो सर देखिए इधर अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो ये तो और नेगेटिव होता चला जाएगा तो इससे अच्छा मेरे को इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ना पड़ेगा तभी ये अपने सेट पे आ पाएगा और अगर मैं जीरो में कितना जोड़ू कि माइनस टू हो जाऊं तो सर मैंने जहां तक मैथ्स पढ़ी है जीरो में अगर मैं माइनस टू जोड़ दूंगा तो माइनस टू हो जाएगा दैट मीनस यहां पर मेरे को दो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस वन तो दो के ऊपर हो जाएगा माइनस टू दैट मीन जीरो माइनस टू इक्वल टू माइनस टू तो सर ऐसा जोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन अब अगर आप देखो तो दोनों के चार्ज बराबर हो गए यहां भी माइनस टू यहां भी माइनस टू हेल्प ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत यहां तक क्या नहीं पहले बताओ कोई दिक्कत यहां क्या नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ नहीं ना चलो अब इधर पे चलो पहले इसको लिख दो जल्दी फोर एच प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस गिवस एम एन ओ टू ठीक है प्लस टू एच टू बहुत शानदार अब भैया इसको बैलेंस करना है अब भैया इसको बैलेंस करना है हमने कहा कर देंगे सर कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस ही तो करना है अब देखो प्यार से देखना सर देखिए इधर पे कितना है एच के ऊपर एक प्लस है तो एक का प्लस है लेकिन चार है तो ये हो जाएगा प्लस फोर इसके ऊपर तो आप क्या करें सर तो देखो अपन को क्या है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है हमारे हाथ में अगर मैं इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ूंगा तो ये नेगेटिव में जाता जाएगा इससे अच्छा मैं इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ता हूं क्योंकि नेगेटिव से ये जीरो और मैं तो आपको एक बात बताता हूं अगर पहली इक्वेशन में राइट में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, तो सर दूसरी वाली इक्वेशन में लेफ्ट में ही होंगे पक्की बात है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल होंगे बाद में अगर यहां यहां भी भी राइट और भी राइट और हुआ तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे तो ऐसा दिमाग लगा लेना ठीक है और आप खुद सोचो प्लस थ्री को जीरो कब बनाया जा सकता है जब यहां पर माइनस थ्री हो प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और माइनस थ्री कब आएगा जब यहां पर मैं कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दू तीन इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दू तीन इलेक्ट्रॉन तो अब देखिए प्लस फोर माइनस वन माइनस थ्री ऑल ओवर जीरो और रिजल्ट जीरो था ही तो हो गया भैया ये बैलेंस चार्ज को बैलेंस कर दिया है मैंने चार्ज को बैलेंस कर दिया है मैंने एक बार चेक कर लीजिए चार्ज को बैलेंस कर दिया है मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल 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 अब बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्यों क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे दो इलेक्ट्रॉन है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे तीन इलेक्ट्रॉन है तो अब बैलेंस किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी पहले एक बार लिख लो पहले जल्दी एक बार नोट डाउन करो जल्दी स्क्रीन शॉट भैया छह स्टेप तक जाती है कभी कभी सात भी जाती है ये लो भाई आप लिखते चल रहे हो ना इसलिए मैं हटा रहा हूं भैया अरे चार क्वेश्चन है बढ़िया ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि एक नंबर में समझ में आएगा चलो स्टेप नंबर फाइव बैलेंस द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है आप खुद सोचिए दो इलेक्ट्रॉन दोनों को, दो, को टू दो, से कर दो क्यों अगर मैं इसको थ्री से इंटू करूंगा तो थ्री टू झा सिक्स हो जाएगा और इस इक्वेशन को मैं टू से करूंगा तो थ्री टू झा सिक्स हो जाएगा दोनों में छे छे हो जाएंगे तो देखिए इसको किससे इंटू इंटू करो थ्री से और इसको कितने से इंटू करो टू से और लिखो सर थ्री से इंटू करने के बाद क्या आएगा थ्री से इंटू करने के बाद क्या आएगा थ्री टू सिक्स आई माइनस गेस थ्री से इंटू करने के बाद थ्री आई टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन बहुत शानदार सर इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने इसलिए अब इसको टू से इंटू कर लो सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस पूरा सबसे इंटू करना भाई यानी कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन से, से इंटू कर दो भाई मैथमेटिक्स नहीं तोड़ देना और सर राइट right और लेफ्ट दोनों साइड इंटू करते हैं तभी मैथमेटिक्स लगेगी फिर टू एम एन ओ टू प्लस टू एच टू ये देखो अब देखिए दोनों में छह छह इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहा है अब ऐड कर दीजिए स्टेप नंबर सिक्स एड बोध हाफ सेल दोनों हाफ सेल को ऐड कर दीजिए चलो आ जाओ देखो लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट वाले में राइट right वाला राइट right साइड तो ये मैंने बना दिया बीच में चलो पहले ये सिक्स आई माइनस अब इसको नहीं ये तो राइट में जाएगा अब ये आएगा टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस क्या जाएगा एट एच प्लस प्लस छह इलेक्ट्रॉन ये तो कैंसिल होंगे अभी अब इधर राइट में क्या है थ्री आई टू प्लस टू एम एन ओ टू प्लस टू एच टू प्लस इलेक्ट्रॉन देखिए दिख रहा है दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं और अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रही यस जब तक ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होंगे आप सही नहीं जा रहे तो इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना अनिवार्य है इलेक्ट्रॉन का कैंसिल होना अनिवार्य है और अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं मतलब आप सही काम कर रहे हैं एक तरफा काम कर रहे हैं बिल्कुल शानदार लाजवाब जल्दी देखिए सर जल्दी देखिए तो अगर मैं चाहूं कर दिया ना कैंसिल स्क्रीनशॉट ले ले पहले चलो इसको हटाई दो ना यहां से ये देखो ये देखिए ये बिल्कुल थ्री टू जिक्स सिक्स टू एम एन टू एम एन उसके बाद टू जा एट टू और टू फोरजा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखो एक गलती यही मैं बोलता हूं गलती कहां होती है यही मैं बोलता हूं गलती कहां होती है देख रहा है यही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं देखो इस इक्वेशन को टू से इंटू करना था इधर टू इधर टू हुआ यहां टू हुआ लेकिन टू टू झा फोर नहीं किया मैंने यहां मैं कह रहा हूं ना यहां पर यही गलतियां हैं बस ये फोर आएगा बाद में पता चलती है ये सब चीजें कहां पता चलती है बाद में ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं उससे लेकिन फिर भी गलती क्यों करना ये फोर आएगा इसलिए हमेशा चेक करके देख लो टू फोर झा एट तो टू टू या फोर और फोर एट तो ये होगा बैलेंस और अब आठ हाइड्रोजन है तो फोर टू साइ एट एट हो गया सर लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है पता है ये देखो ये H प्लस ये बता रहा है कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन काय में है सर जी एसिडिक मीडियम में और आपसे रिएक्शन किस में पूछी गई है बेसिक मीडियम में तो सर एसिडिक मीडियम के लिए तो यहीं तक करना है छोड़ देना है हो गई हमारी बैलेंस किसके लिए एसिडिक मीडियम के लिए अब ये आगे के क्वेश्चंस में एसिडिक मीडियम भी आएगा लेकिन अगर बेसिक पूछ लिया तो एक स्टेप बढ़ जाएगी अभी इसके बाद एक स्टेप और करनी है पहले इतना स्क्रीन शॉट लो पहले जल्दी इतना बताता हूं बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है भाई कभी भी एसिडिक का आएगा यहां पर बैलेंस हो गई है लेकिन बेसिक के लिए एक स्टेप बढ़ जाएगी तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिया क्योंकि मैं अब हटाने वाला हूं कुछ चीजें जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी फटाफट बिल्कुल लास्ट स्टेप सेवन एडिंग एट ओ एच माइनस ऑन बोथ साइड सर पहली बात तो ओ एच माइनस क्यों कर रहे हो तो ओ एच माइनस इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अपन को काय में कन्वर्ट करना है बेसिक मीडियम में ठीक है सर आपकी बात मान ली ओ एच OH माइनस करना है और दूसरी बात मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स यही बोलती है जो भी ऐड करो जो भी सब करो दोनों साइड करना है तो सर इसलिए आपने बोथ साइड किया लेकिन सर सिर्फ आठ ही क्यों किया है क्योंकि बेटा ये डिसाइड करता है कौन एच प्लस वो कितने हैं जितने वो रहेंगे उतने ही ओ एच माइनस को एड करना है उतने ही ओ एच माइनस को क्या करना है सर जी एड करना है उससे ना तो ज्यादा ना तो कम चलो एड करो सिक्स आई माइनस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस एट एच प्लस ले आओ एट ओ एच माइनस यस गिवस थ्री आई टू प्लस टू एम एन ओ टू प्लस फोर एच टू बिल्कुल और अगर आप यहां ध्यान से देखो सर H और OH पानी होता है क्या नहीं होता है एक पानी में एक एच और एक ओ एच होता है तो ये क्या बन जाएगा आठ पानी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे ओ माई गॉड सर ये तो आठ पानी हो गया और अगर आप ध्यान से देखो तो इधर पे चार पानी इधर पे आठ पानी तो भैया अगर देखा जाए तो ये चार पानी कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ कितने बचेंगे चार पानी बचेंगे कि नहीं बचेंगे जल्दी बताइए जल्दी बताइए कि नहीं बताइए जल्दी बताइए जल्दी 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 कोई दिक्कत तो नहीं पक्का डन अच्छा मैंने यहां ओ एच माइनस लिया यहां तो लिया ही नहीं एट ओ एच माइनस ये देखो यहां पर आ गया आ गया डन कोई दिक्कत तो नहीं है अब बढ़िया यहां से वोटर हटा के लिखो पहले जल्दी आप लोग ही लिखो फटाफट लिखो चलिए तो करा लिखो इसको चलो लिखो 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 लिखो, लिखो, लिखो। जल्दी लिखो पहले हटा दू क्या ये नीचे वाला हटा दू क्या आप बोलो तो चलो हटा देते हैं चलो फाइनली सिक्स आई माइनस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस बिल्कुल प्लस आठ एच टू हो गया था चार कम हो गए तो चार एच टू हो गेवस थ्री आई टू प्लस टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच माइनस सर ये देखिए ओ एच माइनस मींस बेसिक मीडियम में आ गई है और ये आपकी रिएक्शन यहां पर हो चुकी है कंप्लीट ये आपकी रिएक्शन यहां पर हो गई है बैलेंस ये देखो ये आपकी रिएक्शन हो गई है यहां पे बैलेंस बिल्कुल कितनी बढ़िया थी सर सात स्टेप इसलिए आई है क्योंकि अपन को बेसिक मीडियम में जाना था अगर अपन को बेसिक मीडियम में नहीं जाना होता तो सात स्टेप बिल्कुल नहीं आती अपनी छह स्टेप में काम हो जाता अपनी छह स्टेप में काम हो जाता बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलिए डन मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं थी बढ़िया क्वेश्चन था एक तरफा क्वेश्चन था ऐसे ही अपन को तीन क्वेश्चन और करने हैं और मजा आएगा सर क्या आएगा मजा आएगा बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे बस कलते चलेंगे, कलते चलेंगे, कलते चलेंगे। रुकेंगे नहीं झुकेंगे नहीं बिल्कुल अगर आपको देखना है तो इसका आंसर भी दिखा देता हूं मैं चलो ये देखो ये पूरी स्टेप्स लिखी हुई है जैसे अपन को करना था ये देखो आप चेक करिएगा सिक्स आई माइनस टू एम एन ओ फोर माइनस सिक्स आई माइनस टू एम एन ओ फोर माइनस फिर चार एच टू और थ्री आई टू चार एच टू और एम एन ओ टू और उसके बाद एट ओ एच माइनस एम एन ओ टू और ओ एच माइनस एट और इधर पे टू लगाए बस देखो बैलेंस है क्या नहीं है चलो सर सेकेंड वाले पे ये रही सेकेंड वाली ये रही सेकेंड वाली इसको एसिडिक मीडियम में ही करना है ठीक है चलो लिखे इसको एम एन ओ फोर माइनस ठी एम एन ओ फोर माइनस है एम एन हाँ इतना ऊपर लिख के हो रहा हूं चलो एम एन ओ फोर माइनस ठीक है एसओ टू और एम एन टू प्लस एसओ टू और एम एन प्लस टू ठीक है भैया ओके ओके डन आगे क्या है एच एस फोर माइनस एच फोर माइनस कौन से मीडियम में एसिडिक मीडियम में बिल्कुल एसिडिक मीडियम में शानदार एसिडिक मीडियम में ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं चलो सबसे पहले पहचान लो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है ठीक है सर तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सर पहले निकालते हैं अपन इसका ठीक है इसको मानो एक्स क्या मानो इसको x प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा माइनस टू इंटू फोर जल्दी बताओ कितना आ रहा है जल्दी जल्दी ये माइनस वन बबुआ तो ये हो जाएगा माइनस वन तो उधर जो हो जाएगा एट माइनस वन तो ये हो गया सेवन सेवन सर जी प्लस सेवन मिल गया ठीक है यहां प्लस टू हो रहा है सर समझ रहा हूं पांच इलेक्ट्रॉन का गेन है ओके अब इसका निकालो एसओ टू का बेटा निकालना सबका है तभी समझोगे इसको मानो अब एक्स मुझे बताओ जल्दी क्या आ रहा है भैया कमेंट सेक्शन में बचता रहना चाहिए कि आंसर क्या है पूरा कोई चार्ज नहीं था इसलिए जीरो हो फोर आ गया सर फोर आ गया प्लस फोर आ रहा है ठीक है इधर तो भैया प्लस टू है और इधर क्या आ रहा है देखो ऐसे ना निकालो वन प्लस एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर टू माइनस वन एक्स माइनस एट प्लस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस सेवन इक्वल टू माइनस वन तो ये हो जाएगा सेवन माइनस वन एक्स की वैल्यू सिक्स आ रही है तो यहां पर आ गया प्लस सिक्स ठीक है भैया प्लस सिक्स आ गया ये सब की मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दी है कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई है जल्दी 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 सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके सामने है कोई दिक्कत तो नहीं <coughs> चलो चलो तो इसको निपटाने का काम आ गया है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है डन चलो तो भैया आप देखेंगे प्यार से प्लस सेवन से प्लस टू सर यहां पर सात इलेक्ट्रॉन गए थे यहां पर दो गए पांच वापस आ गए पांच वापस आ गए तो गेन पांच इलेक्ट्रॉन का गेन और गेन का मतलब क्या होता है सर जी अपन सब जानते हैं रिडक्शन 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 चलो इधर देखो ये क्या है एसओ टू एसओ टू से क्या बन रहा है एच एसओ फोर यहां पर कितना था प्लस फोर यहां पर कितना है प्लस सिक्स दो इलेक्ट्रॉन और चलेगा चलेगा तो लॉस और लॉस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन और ये आपका रिडक्शन ये आपका रिडक्शन जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी जल्दी देखो जल्दी <coughs> ये गेन रिडक्शन और ये लेस और लॉस ऑक्सीडेशन बिल्कुल 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 शानदार मजेदार लाजवाब एक तरफा जल्दी अब आएगी अपन स्टेप वन पे अब आएंगे अपन स्टेप वन पे शानदार तरीके से ठीक है क्लियर हुआ यहां तक ठीक है इतना तो मेरे को बताने के लिए था भाई ये सब तो ये सब आपको बताने के लिए था चलो अब आएंगे स्टेप वन पे डिवाइड इनटू टू हाफ सेल डिवाइड इनटू टू हाफ सेल कौन कौन सा सर वो आदत ही हो गई लेफ्ट में ऑक्सीडेशन लिखने की वैसे ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप सोचो भैया आपने लेफ्ट में ऑक्सीडेशन तो हम राइट right में ही रिडक्शन वो तो क्या होता है मैंने बच्चों को ट्वेल्थ में एक चीज याद दिलाई थी आर r4 राइट आर r4 रिडक्शन आता एक चीज में आएगा तो इसीलिए रख के रखा है अरे आपको पढ़ाया तो था सेल के अंदर ये तब से मेरी आदत हो गई वहीं लिख रही थी तो मैं वहीं लिखता हूं अब ऑक्सीडेशन वाला कौन था सर जी ये भाई साहब so2 hso4- ठीक है रिडक्शन वाला कौन था भाई ये mno4- एम एन प्लस टू बिल्कुल शानदार अब करेंगे बैलेंस स्टेप टू बैलेंस ऑल द एटम किसको छोड़ के लेकिन हा एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ठीक है एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर दो ठीक है मैंने कहा भैया वही तो भर भर के आ रहे हैं और कोई यही नहीं हाँ ये बात भी है ये एसओ टू आ गया ये एच एसओ फोर माइनस आ गया अब यहां क्या है सल्फर देखो यहां भी सल्फर एक सल्फर एक बैलेंस है चलो यहां आ जाओ यहां देखो एम एन एक एम एन एक बैलेंस है चलो भैया अब तो आ जाओ नंबर अब तो आ जाओ उसके नंबर पे बिल्कुल कोई दिक्कत है क्या अब आ जाओ उसके नंबर पे स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री चलो क्या करना है स्टेप नंबर थ्री में बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे ठीक है अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बढ़िया तरीके से बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल चलो आ जाओ सर यही तो मजेदार गेम है अब देखो सर यही तो मजेदार है चलो पहले ऑक्सीजन को करते मैंने आपको बताया था सर जी यहां पर कितने ऑक्सीजन है दो यहां कितने चार तो सर ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं पानी पानी हो गई कितने पानी सर जी दो पानी क्यों दो पानी क्योंकि सर आपने अभी पढ़ाया कि सर जी अपन के पास एक पानी एक ऑक्सीजन लाता है तो क्या देखिए दो और दो चार यहां चार हो गए अब लेकिन सर हाइड्रोजन आ गए चार तो एक हाइड्रोजन तो था बाकी हाइड्रोजन किससे बैलेंस होंगे सर आपने बताया था H प्लस से होते तो तीन तीन के लिए चार होने टू टू द सर एक ऑलरेडी था ना तो एक और तीन चार और ये भी चार हमने कहा यस आगे चलो भाई के पास चलो भाई के पास आ जाओ भाई के पास चलो भाई के पास आ जाओ एम एन ओ फोर माइनस से एम एन ठीक है कितने ऑक्सीजन है चार तो यहां जाएंगे चार वाटर. और चार वाटर आए तो कितने हाइड्रोजन तो आएंगे सर? फोर टूजा एट तो एट एच प्लस कितने एच प्लस आ गए सर जी आठ एच प्लस ये देखिए सर ये हुआ यहां तक बैलेंस कोई दिक्कत कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी अब <coughs> करेंगे भैया किसको बैलेंस चार्ज बैलेंसिंग द चार्ज चल। चलो 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 बाकी एक बार चेक कर लिया करो हमेशा सारी चीजों को चार 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 एमएन एक एक चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन फोर टू एट एट ठीक है सही है चलो भैया एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे ऊपर का हटाना है जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर ऊपर का हटाऊंगा बिल्कुल हटाऊंगा ऊपर का जल्दी स्क्रीन शॉट लो चलो हम्म 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 तक उड़ा दू बिल्कुल चलो स्टेप नंबर फोर बैलेंसिंग द चार्ज बैलेंसिंग द चार्ज ठीक है पहले सिक्का देख लेंगे आ जाओ लेके तो आओ उनको तब तो उनको देखेंगे टू एच टू प्लस एसओ टू प्लस एच एसओ फोर माइनस प्लस थ्री एच प्लस बिल्कुल ठीक है इसको भी ले आओ ऊपर इसको भी ले आओ ऊपर चलो एट एच प्लस प्लस एम एन ओ फोर माइनस माइनस फिर एम एन प्लस टू प्लस और फोर एच टू ठीक है सर बिल्कुल सर बिल्कुल सर बिल्कुल अब समझिएगा अब समझिएगा सर यहां देखो यहां टोटल जीरो है कोई चार्ज नहीं है लेकिन इधर है क्या है इधर चार्ज एक के ऊपर प्लस तो तीन के ऊपर प्लस तो ये हो गया प्लस थ्री और एक माइनस है तो प्लस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस टू मतलब इधर पे प्लस टू चार्ज है और इधर पे जीरो है अब क्या किया जाए सर प्लस टू को जीरो बना सकते हैं जीरो को प्लस टू नहीं बना सकते क्यों क्योंकि सर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है बैलेंस करने को और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो अगर मैं यहां दो इलेक्ट्रॉन लगा दूंगा तो ये कैंसिल होकर जीरो बन जाएगा आ, मतलब राइट हैंड साइड पर दो इलेक्ट्रॉन आना है बस 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 खत्म भाई यही चीज आप लोग को बतानी है यहां पर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आने हैं बस खत्म ये हो गया राइट साइड वाला चार्ज बैलेंस थ्री प्लस वन माइनस माइनस टू इक्वल्स टू जीरो अब सर मैंने आपको एक चीज सिखाई थी अगर इसमें राइट में इलेक्ट्रॉन आया है तो इसके अंदर लेफ्ट में आएगा हंड्रेड एंड वन परसेंट लिख के ले लो आज ही लिख के ले लो कोई दिक्कत की बात नहीं है और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो बता दो आज ही लिख के ले लो भैया ये तो एकदम करेक्ट बात कही है मैंने इधर ही आएगा इलेक्ट्रॉन निकाल के देखें चलो आ जाओ बिल्कुल सर यहां पर प्लस टू है ठीक है इधर पे टोटल चार्ज प्लस टू है इधर आओ सर इधर पे चार्ज कितना है प्लस एट क्यों है प्लस एट एच के ऊपर वन होता है आठ एच प्लस है तो प्लस एट और यह माइनस वन कितना हो गया प्लस सेवन तो सर इधर पे सेवन है और इधर पे प्लस टू है मैंने कहा था जब भी प्लस ज्यादा हो तो वहीं पर ऐड करना इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे सर अगर मैं इसमें माइनस फाइव करूंगा तो पांच जाएगा तो फिर दो बच जाएगा और बैलेंस हो जाएगा हो जाएगा क्या नहीं तो माइनस फाइव का मतलब पांच इलेक्ट्रॉन आएंगे यस कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पांच इलेक्ट्रॉन आएंगे पांच 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 मैंने भैया आपको कहा है मुझसे पहले बैलेंस करने को ये लीजिए सर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सॉरी चार्ज हो गया है बैलेंस चार्ज हो गया है बैलेंस कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल 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 चार्ज हो गया है बैलेंस जल्दी देखो चार्ज हो गया है बैलेंस बिल्कुल देखो एक तरफा देखो मजेदार तरीके से देखेंगे चार्ज हो गया यहां पर बैलेंस जल्दी <coughs> फटाफट 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 चार्ज हो गया यहां पर बैलेंस आप क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं अपन ठीक है सर बिल्कुल अभी देखो आगे निकालते हैं अब करेंगे सर जी बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग द बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है अब बात को समझना सर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है अच्छी बात है ये नीचे वाला हटा दू क्या पहले स्क्रीन ले लो जल्दी जल्दी भैया अच्छे से एक एक स्टेप को देखते हुए लिखना है क्योंकि जरूरी है एक एक स्टेप को देखते हुए लिखना है बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। एक एक स्टेप को देखते हुए लिखना है चलो बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है आ जाओ आ जाओ बराबर करना है सर सर इधर पे कितने इलेक्ट्रॉन है दो इधर पे कितने हैं पांच बराबर करने के लिए क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई इसको पांच से इंटू कर दो, दो से कर दो आइट खतम जाबार चलिए भैया चीता ही कह दें इंटू फाइव और इधर कितने से इंटू कर दे भैया इंटू टू क्या कहते हैं चीता कह दें एक नंबर चलो आ जाओ करो इंटू करो फाइव से करेंगे फाइव एसओ टू प्लस टेन एच टू ओ ठीक है फाइव एच एसओ फोर माइनस प्लस फाइव थ्री जै फिफ्टीन एच प्लस फाइव टू जै टेन इलेक्ट्रॉन वेरी गुड सर वेरी 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 गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है आगे बढ़े इधर पे आ जाओ ट्वाइव फिफ्टीन ठीक है इधर आ जाओ फाइव से इधर टू से इंटू करना है सिक्सटीन एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस टेन इलेक्ट्रॉन फिर टू से करेंगे तो टू एम एन प्लस टू और टू फोरजा एट एच टू ओ बिल्कुल टू फोरजा एट एच टू ओ बिल्कुल 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 ये हो गया सर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन और अगर आपको एक बार देखना है तो देखिए दस इलेक्ट्रॉन या दस इलेक्ट्रॉन या बैलेंस हो चुकी है पूरी कहानी एक बार क्रॉस चेक कर लो सर गलती होने के चांस होते हैं देखो ना अच्छा इधर पांच से करना है फाइव टू सान फाइव का फाइव फाइव का फाइव फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव टू जेन ठीक है टू एट जिक्सटीन टू का टू टू फाइव जन टू और टू फोर झा एट बिल्कुल सर ऐसे करते चला करो नहीं तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं ठीक है सर आगे बढ़े अब दोनों को ऐड करना है स्टेप नंबर सिक्स दोनों को ऐड करना है जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे काम हो जाएगा जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे काम हो जाएगा पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी 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 <coughs> फटाफट लेते चलेंगे स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है बिल्कुल तेजी में हो गया चलिए हो गया डन पक्का ना चलिए 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 नारन्ना ये स्टेप नंबर फोर जाने वाला है हम्म गलत ले लिया स्टेप नंबर फाइव के साथ अभी नहीं एक स्टेप लास्ट वाली तो रखनी है अपन को बिना लास्ट स्टेप के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे स्टेप सिक्स एडिंग टू हाफ cell. एडिंग टू हाफ सेल चलिए प्लस करेंगे करिए भैया पहले लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले के साथ पहले लिखेंगे टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस प्लस क्या है सोलह एच प्लस प्लस फाइव एसओ टू प्लस टेन एच टू ओ बिलकुल टू एम एन प्लस टू एट एच टू ओ बस और कुछ नहीं है ना इधर ठीक है इधर आ जाओ फाइव एसओ फोर माइनस प्लस पंद्रह एच प्लस प्लस दस इलेक्ट्रॉन आपने दस इलेक्ट्रॉन इधर के नहीं लिखे थे क्या चलो मैच करेंगे ना मैच करेंगे देखो ये वाला कहां का है ये वाला. ये वाला फिर ये ये वाला फिर ये ये वाला फिर ये ये वाला इलेक्ट्रॉन दे गए थे ना दस इलेक्ट्रॉन ठीक है फिर यहां ये ये वाला ये ये वाला ठीक है ये ये वाला ये ये वाला ठीक है बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन उड़ा दो दस से दस इलेक्ट्रॉन गए ठीक है अगर आप देखो तो पंद्रह एच प्लस भी चला जाएगा इस पंद्रह सोलह से बस एक एच प्लस बचेगा और अगर ये देखो तो देखिए यहां से आठ एच टू थे और इधर पे कितने थे दस थे तो दो गाय दो बचेंगे बस भाई ये कर सकते हैं ना अपन अब देख लो भैया अब हो गया है बैलेंस आपका पूरा पूरा बैलेंस हो गया बिल्कुल 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 बिल्कुल, 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 बिल्कुल। शानदार तरीके से देख लो बिल्कुल 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 चलिए कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत तो नहीं चलो नीचे वाली स्टेप हटा रहा हूं उसको बढ़िया तरीके से लिखेंगे ना अब जो जो कैंसिल किया है उसको हटा के लिखेंगे ना बढ़िया तभी तो मजा आएगा तभी तो मजा आएगा देखो क्या है स्टेप वही है लेकिन उसको लिखना तो पड़ेगा ना एक और बार क्या है टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस क्या हो जाएगा फाइव एस ओ टू प्लस क्या हो जाएगा कुछ बचा है क्या हाँ एच प्लस बचा है प्लस और क्या बचा हुआ है टू एच टू इधर क्या बचा हुआ है कुछ भी नहीं इधर तो दो चीजें बची है बस बस बाकी सब खत्म और एसिडिक मीडियम में ही मांग रहा है तो अपन के पास H प्लस है तो ये एसिडिक में ही है मेरे हिसाब से अब तो हो गई है बैलेंस एक बार चेक कर लो आप मेरे हिसाब से तो आप बैलेंस हो गई है एम एन एम एन चेक करो दो दो, ठीक है आ, सल्फर देखो पांच सल्फर पांच सल्फर ठीक है अब चेक करो ऑक्सीजन टू फोर जट एट।, एट और टेन एटीन एटीन और टू, टू ट्वेंटी फाइव फोर जा ट्वेंटी हाइड्रोजन चेक करो पांच पांच बिल्कुल जल्दी देखिए सर ये हो चुकी है बैलेंस ये हो चुकी है बैलेंस बिल्कुल बैलेंस हो गई है बिल्कुल बैलेंस हो गई है चलो एक बार पीछे से मैच कर लें चलिए सर ये सेकंड वाला था ना ठीक है चलिए 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 तेरा सेकंड नहीं, नहीं 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 ये रब भी ये देखिए नीचे से मैच करिएगा आप ठीक है ये ने एक ही में ही कर दिया पूरा टू एम एन ओ फोर माइनस फाइव टू एम एन ओ फोर माइनस फाइव एसओ टू और क्या है टू एच टू प्लस एच प्लस टू एच टू ओ प्लस एच प्लस और साइड क्या है टू एम एन टू प्लस टू एम एन टू प्लस फाइव एच एसओ फोर माइनस फाइव एच एस ओ फोर माइनस यस बिल्कुल डिक टू वही आई है जो अपन को चाहिए था बिल्कुल डिक टू वही आइए चलिए अब सी वाला एक मैं आपको होमवर्क दूंगा लेकिन एक और करवाऊंगा सी और करवाऊंगा सी बिल्कुल इसका स्क्रीन ले लो जल्दी फिर अपन चलेंगे सी वाले की तरफ फिर अपन चलेंगे सी वाले की तरफ बढ़िया तरीके से और उसको खत्म करेंगे डन चलो चलिए सी वाला क्या दिया हुआ है एच टू ओ टू और एफ ई टू प्लस ठीक है एच टू ओ टू और एफ टू प्लस ठीक है एफ प्लस थ्री और एच टू बिल्कुल शानदार 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 कौन से मीडियम में बेटा एसिडिक मीडियम में बोल रहा है मतलब कुछ नहीं करना चुपचाप लेके जाना है एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं करना है, चुपचाप लेके जाना है शानदार तरीके से लेके चलना है बस खत्म कर देना है ठीक है यही है ना देखो एसिडिक मीडियम में बोला है बिल्कुल एफ ई टू थ्री और एच टू ओ ठीक है सर पहली स्टेप क्या होती है सर जी यह पता लगाओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन आप आगे रिएक्शन को नहीं कर पाओगे आप रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे रिएक्शन को अपन खत्म नहीं कर सकते ठीक है सर तो पहले पता लगा लेते किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन ठीक है आ जाओ एच टू ओ टू ठीक है ऑक्सीजन का निकालना है इसमें तो ये हो जाएगा वन इंटू टू जल्दी बताओ क्या आता है नाइनस ना। वन आ रहा है सर सर माइनस वन आ रहा है ठीक तो है भैया इधर तो टू प्लस इधर थ्री प्लस इधर इधर सब जानते हैं ये माइनस टू होता है ओहो ये माइनस टू होता है सब जानते हैं सर सब लोग कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता है कि ये माइनस टू होता है कि ये क्या होता है बिल्कुल सही में सही में सही में चलो सही में बिल्कुल माइनस टू प्लस टू ये सारी चीजें ठीक है <coughs> उड़ाओ उसको चल बेटा बाहर चले जा बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार <coughs> ठीक है अब देखो माइनस वन से माइनस टू सर एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया यहां पर उसने एक लोग की पॉकेट मारी थी वहां दो की मार ली तो सर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन और गेन बोले तो रिडक्शन रिडक्शन बिल्कुल और यहां क्या हो रहा है सर इसके दो इलेक्ट्रॉन गए थे एक और चोरी हो गया बेचारे के पास चोरी पे चोरी हो रही है कहीं बची नहीं पा रहा तो यहां लॉस और लॉस बोले तो ऑक्सीडेशन लॉस बोले तो ऑक्सीडेशन कोई दिक्कत की बात नहीं हमने कहा बढ़िया चल रहा है एक तरफा कोई दिक्कत की बात नहीं तो सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और इसका रिडक्शन हुआ है हमने कहा एक तरफा कोई दिक्कत तो नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए बिल्कुल शानदार तरीके से बिल्कुल चलिए चिल आ जाइए डन डन भाई अभी तो टाइम है ले यार अब तक क्या दिक्कत की बात है चलो चलो चलो, चलो 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 भाई मैं भी देखता रहता हूं चीजें है ना ठीक है चलो भाई करते फटाफट पड़। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है अरे ज्यादा कहा अभी सत्ताईस सत्ताई अट्ठाइस मिनट में खत्म हो जाएगा दो मिनट के अंदर ठीक है नॉर्मल तरीके से करेंगे नॉर्मल लेके आना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आंसर लेके आना है ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आ जाओ सर पहली स्टेप का नाम बता दो तो हम मान जाए स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन डिवाइड द टू हाफ सेल डिवाइड कर दीजिए टू हाफ सेल को ठीक है कर देते ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और रिडक्शन चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहले मुझे बताओ ऑक्सीडेशन क्या है पहले मुझे बताओ ऑक्सीडेशन क्या है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है सर अभी आपने तो निकाला था यार अब आप ही हमसे पूछ रहे हो मैंने कहा बहुत ईजी है सर ये था ना ऑक्सीडेशन वाला जी हां ये है ऑक्सीडेशन वाला कितना प्यारा है रिडक्शन वाला बताओ सर ये देखो हां एच टू ओ टू से क्या हो जाएगा एच टू बिल्कुल चलो स्टेप नंबर टू क्या थी सर स्टेप नंबर टू नहीं करूं तो कोई दिक्कत है वैसे आप लोग करना देखो स्टेप नंबर टू में कुछ नहीं होगा क्या होगा कि एफ एक, एक है बैलेंस सारे एटम्स को बैलेंस करेंगे बस किसको छोड़ के हाइड्रोजन ऑक्सीजन बात यह कि यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली बात ही है पूरे वो ही है तो सीधे स्टेप नंबर टू को लिख लो बैलेंसिंग द एटम सबको कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आंदो आंदो देख लेंगे सबको एफ टू प्लस से थ्री प्लस देखो जरा एक आयरन इधर एक आयरन उधर ये तो बैलेंस हो गया भैया अब उस साइड का देख लेते हैं ये तो बैलेंस हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है अब उस साइड का देख लेते हैं शानदार तरीके से देखा देखा तो ये बैलेंसिंग द आइटम था तो ये एक ये एक दोनों को बैलेंस कर लिया ठीक है भैया शानदार बात करिए कोई दिक्कत की बात नहीं है फिर तो एक तरफा चलिए अब बात को समझो ये बैलेंसिंग आइटम में एक आयरन एक आयरन हो गया ठीक है अब इधर देखो सर खेल तो इधर ही है सर खेल तो इधर ही है शेर बिल्कुल चलिए अब इधर देखेंगे H2O2 और ये टू में कन्वर्ट हो गया H2O में हमने कहा ठीक है सर सारे आइटम ने इस बार अपन को हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो करना है सर कितने ऑक्सीजन है दो इधर कितने एक सर तो एक पानी आएगा एक पानी आएगा बिल्कुल एक पानी आएगा अब देखिए एक पानी आने से यहां कितने हो गए दो और दो चार सर दो थे दो और ले आइए ये, ये लीजिए सर ये हो गया बैलेंस चेक करो यहां तो एक एक बैलेंस हो गए यहां देखो दो हाई, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन चार चार दो ऑक्सीजन एक और एक दो यस सही है सर सही है सर बिल्कुल सही है और अगर चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको दो वाटर थे तो दो वाटर को एक साथ लिख दो ना दो वाटर को एक साथ लिख दो ठीक है बिल्कुल अब बैलेंसिंग द चार्ज अब बैलेंसिंग द चार्ज छोटा करना चाहो छोटा कर दो बिल्कुल छोटा करना चाहो छोटा कर दो बिल्कुल छोटा करना चाहो छोटा कर दो बिल्कुल बैलेंसिंग द चार्ज स्टेप थ्री बैलेंसिंग द चार्ज ठीक है सर यहां देखिए यहां पर क्या होने वाला है देखो ठीक है या देखो या टू प्लस है यहां पर क्या है थ्री प्लस है तो सर जी क्या करें यहां पर प्लस टू है और यहां पर प्लस थ्री है तो बेटा एक काम करो प्लस टू बना लो तो सर इसमें कितना क्या करूँ कि प्लस टू बन जाए मेरे माइनस वन करो ना माइनस वन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बस कोई दिक्कत की बात नहीं थी अब चेक करो प्लस थ्री वन माइनस कितना हो जाएगा प्लस टू और यहां भी कितना है प्लस टू सर बैलेंस सर जी ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस सर जी ऑक्सीडेशन वाला बैलेंस बिल्कुल 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 अब बारी रिडक्शन की अब बारी रिडक्शन की मैंने कहा आ जाओ 2H+ H2O2 प्लस एच टू ओ टू टू एच टू देखो अगर यहां देखो तो यहां तो जीरो है यहां देखो तो वहां तो जीरो है सर खेल खत्म वहां तो खेल खत्म

ये सेपरेट करने के लिए कि ये अलग है वो अलग है सर जी हो गया बैलेंसिंग द चार्ज बैलेंसिंग द चार्ज हो गया बैलेंसिंग द चार्ज हो गया देख लो एक बार बैलेंसिंग द चार्ज हो गया बिल्कुल देख लो एक बार जल्दी 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 बैलेंसिंग द चार्ज हो गया एक बार देख लो जल्दी फटाफट कोई प्रॉब्लम चलिए बैलेंसिंग द चार्ज हो गया है चलो अब क्या करेंगे बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है क्या करेंगे बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन न अगली स्टेप का नाम क्या है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ क्या करेंगे भाई मैं कमेंट्स में देखूंगा ये सब बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 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 अब आप खुद सोचिए यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है एक यहां पर कितने दो इधर दो बना लिए लिए क्या करूं सर कुछ मत करो इसको टू से इंटू कर दो बस अपने आप हो जाएगा इसको बस टू से इंटू कर दो कॉमन सेंस कहता है सर ठीक है इंटू करो टू से क्या हो जाएगा टू एफ टू प्लस 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 क्या इतना ही है बस इधर भी टू से हो जाएगा दोनों साइड होता है भैया जो भी होता है और एक इलेक्ट्रॉन था तो वो हो जाएगा टू इलेक्ट्रॉन बस खत्म ये हो गया भैया ऑक्सीडेशन साइड उस साइड चलो उस साइड किसी से इंटू नहीं करना है उस साइड बस ऐसे ही लिखो दो इलेक्ट्रॉन प्लस टू एच प्लस प्लस एच टू ओ टू गेवस टू एच टू ओ टू एच टू बिल्कुल शानदार लाजवाब एक तरफा बस हो गया सर अब दोनों को बैलेंस कर दो मतलब ऐड कर दो लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर फाइव आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसमें एक स्टेप कम क्यों आ रही है तो मैंने कहा भैया वो स्टेप कम क्यों आ रही है आप भूल गए क्या अपन अपन ने ने जो बैलेंस करा था था उसमें एक एक स्टेप कम लिखी थी मैंने कहा साथ ही कल तो इस बार हो जाएगा तो ये देखिए सर पहले मैच कर लो सब सही लिखा है ना नहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए फिर अपन लेने के देने पड़ जाए आगे चल के बहुत जल्दी लेने के देने पड़ते हैं फिर बैठे रहते हैं मुंह फुला के अब कैसे होगा सर स्टेप फाइव एडिंग बोध द हाफ सेल कल दोनों हाफ सेल को एड चलिए राइट राइट वाला लेफ्ट लेफ्ट वाला बिल्कुल 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 आ जाओ टू एफ ई प्लस टू ठीक है एच टू ओ टू प्लस टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन वेरी गुड ठीक है उस साइड चलो क्या हो जाएगा टू एफ ई प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन प्लस टू एच टू एक बार चेक कर लो बिल्कुल दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन उड़ा दो ये देखो जरा फटाफट चेक करो सही है क्या नहीं है बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसको हटाओ यहां से चलो बेटा आप भी हटो चलो आप भी हटो आप थोड़ा बैलेंस करके लिखो उसको देख लीजिए भैया हो गया आपका ये बैलेंस ये देखिए मैच कर लो दो आयरन दो आयरन चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन ठीक है इधर पे चार्ज कितना हो रहा है टू टू झा फोर फोर और टू सिक्स इधर पे कितना हो रहा है टू थ्री झा सिक्स बिल्कुल बैलेंस्ड है एक बार आगे और चेक करा देंगे पहले स्क्रीनशॉट ले लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो से इसका जल्दी फिर आगे और चेक करवा देंगे बिल्कुल शानदार तरीके से आगे और चेक करवा देंगे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो उसका आगे फिर वहां और चेक करवा देते बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल 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 डन डना डंडन डन डना डंडन चलो चेक कर ले एक बार नारण ना नारा ये देखिए एच टू ओ टू प्लस टू एफ टू एच टू ओ टू प्लस टू एफ टू प्लस टू एच प्लस भी है टू एच प्लस भी और उधर क्या है टू एफ थ्री प्लस टू एफ ई थ्री प्लस प्लस टू एच टू प्लस टू एच टू बिल्कुल बैलेंस 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 तो सर थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया अब बारी है क्वेश्चन नंबर फोर की बेटा बैलेंसिंग में क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसलिए मैं बैलेंसिंग पूरी करवा रहा हूं अच्छे से करवा रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत देखने को ना मिले जल्दी 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 चलो फोर्थ वाला और करते हैं फटाफट ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया फोर्थ और करते हैं, आ जाओ। पहले देख लें क्या है फोर्थ वाला। एक में सब कुछ हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन भी। भी मीडियम में चलिए सर क्वेश्चन सारे अच्छे हैं सीआर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस एसओ टू सी आर प्लस थ्री और एसओ फोर टू माइनस एसओ फोर माइनस टू ठीक है एसेटिक मीडियम भैया एसेटिक मीडियम एसेटिक मीडियम भैया एसेटिक मीडियम किसमें एसेटिक मीडियम एसिडिक मीडियम ठीक है तो कुछ नहीं करना है पहले तो ये पता लगा लो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन ये पता चलेगा तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी हाँ ये बात भी है तो सर पता लगाओ इसका ले आओ ले आओ ले आओ पकड़ के जल्दी बताओ भैया कमेंट सेक्शन में कोई ठीक है सर अभी बता देते हैं 2x plus minus -2 into 7 equals minus -2 तो 2x 14 -2 2x 14 2 तो 2x 12 तो x इक्वल्स टू छ मतलब प्लस सिक्स अब आता है SO2 भाई सबको लेते हुए चलेंगे एक एक एक्स प्लस माइनस टू इंटू टू एक्स इक्वल्स टू फोर फोर बोले तो प्लस फोर ठीक है इधर पे प्लस थ्री है ही इधर पे और निकाल लो तो ये एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर माइनस टू एक्स माइनस एट माइनस टू एट माइनस टू सिक्स 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 प्लस सिक्स प्लस सिक्स तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है प्लस सिक्स ये सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया अपन ने ये सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया अपन ने कोई दिक्कत की बात नहीं है ये सबके अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल 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 कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए अब अपन तोड़ेंगे इसको भैया ऑक्सीडेशन स्टेट वाले उसमें मतलब टू हाफ सेल में करेंगे डिफाइन पहले यह हटा ले इसका स्क्रीन शॉट तो नहीं लेना ले लो इसका स्क्रीन शॉट तो नहीं लेना ले लो जल्दी 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 ले लिया न ना न ना। ना 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 ना। चल सर आप बताओ क्या हुआ है बेटा अगर ध्यान से देखो तो इधर पे था प्लस सिक्स प्लस सिक्स से प्लस थ्री अगर कोई ध्यान से बोले तो प्लस सिक्स का मतलब छह इलेक्ट्रॉन गए थे प्लस का मतलब तीन इलेक्ट्रॉन मतलब का गेन है और तीन इलेक्ट्रॉन का गेन है तो सर इसी को तो कहते हैं रिडक्शन इसी को तो कहते हैं रिडक्शन वेरी गुड तीन इलेक्ट्रॉन का ही तो गेन है इसी को तो कहते हैं रिडक्शन फिर यहां देखो यहां पर था प्लस फोर प्लस फोर से प्लस सिक्स दो इलेक्ट्रॉन और चले गए दो और चले गए तो लॉस और लॉस को कहते हैं ऑक्सीडेशन लॉस को कहते हैं ऑक्सीडेशन लॉस को कहते हैं ऑक्सीडेशन है बिल्कुल तो भैया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है मिल गया दोनों मिल गया अब करूंगा फटाफट अब करूंगा फटाफट सॉल्व बिल्कुल अब मिल गया पहले भाई स्क्रीनशॉट ले लो लो पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी 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 बिंदास बिंदास स्टेप वन डिवाइड इन टू हाफ सेल दो सेल में तोड़ दो किस किस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलो बताओ ऑक्सीडेशन किसका था बोलो सल्फर वाले का हांसो टू से एसओ फोर माइनस टू बिल्कुल रिडक्शन रिडक्शन कितना सर सीआर टू ओ सेवन माइनस टू से सीआर प्लस थ्री सीआर प्लस थ्री बिल्कुल 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 ये देखो ये हो गया सर जी डिवाइड ठीक है अब स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू क्या करना है सर जी क्या करना है सर जी स्टेप नंबर टू सर जी बैलेंस बैलेंस ऑल द आइटम्स भैया एक साथ ही कर लो वैसे आप दो स्टेप में करना पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मत करना फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करना मैं एक साथ ही कर दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं चलेगा अरे प्रो आदमी अपन अपन प्रो आदमी है कोई दिक्कत नहीं है देखो अभी करके दिखाते हैं भाई कुछ कुछ रिएक्शंस में कर सकते हो तो एक स्टेप बच जाएगी जल्दी हो जाएगा इसलिए करवा रहा हूं सल्फर सल्फर पहले करना लेकिन एक हो गया या दो ऑक्सीजन या चार है तो चार की जगह अपन को दो वॉटल लेना ही होगा लेना ही होगा बिल्कुल अब यहां देखो सर कितने हाइड्रोजन आ गए चार कौन करता है बैलेंस हाइड्रोजन एच प्लस कितने एच प्लस आएंगे चार एच प्लस बिल्कुल 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 तो सर यहां का तो बैलेंस हो गया चलो उधर पे उधर पे चलो माइनस टू यहां से सीआर प्लस थ्री पहले तो सीआरसीआर देख लो सर सीआर में ही लफड़ा है पहले तो पहले तो सीआर में ही लफड़ा है मैं आपको बताऊं तो कैसे लफड़ा है सीआर में देखो देखो सीआर में कैसे लफड़ा है कितने सीआर हैं दो तो पहली बात तो यही दो लग जाएगा ठीक है अब देखो कितने ऑक्सीजन है सात तो ये हो जाएगा सेवन एच टू सात पानी अब सात दूनी चौदह तो यहां आ जाएंगे चौदह एच प्लस चौदह एच प्लस बिल्कुल चौदह एच प्लस हो गए कोई दिक्कत की बात नहीं है अब बताइए आप यहां पर हो गए चौदह एच प्लस यहां पर हो गए चौदह एच प्लस ठीक है जल्दी 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 फटाफट देखिए सर ये हो गए सारे बैलेंस ये हो गए सारे बैलेंस बैलेंस ऑल द एटम्स अब बैलेंस करेंगे चार्ज को किसको बैलेंस करेंगे सर जी चार्ज को बिल्कुल तरीके से चार्ज को बैलेंस करेंगे चार्ज को बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर थ्री चलो जल्दी ट्राई करो चार्ज को बैलेंस करने का जल्दी जल्दी ट्राई करो जल्दी चार्ज को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे ठीक है चलो पहले ऊपर वाला हटा दो चलो चार्ज को बैलेंस करने का ट्राई करेंगे बैलेंस द चार्ज करना है सर जी चार्ज को बैलेंस करना है ठीक है कर देंगे ले आओ पहले इसको उठा के पहले इसको ले आओ यहां देखो ठीक है यहां पे शेक। ये देखो कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं है अब करेंगे चार्ज को बैलेंस बढ़िया होगा मजा आएगा टेंशन ना लो इसको देखो इधर कितना है माइनस टू प्लस इधर एक के ऊपर एच प्लस है मतलब प्लस वन प्लस वन इंटू फोर क्या हो जाएगा फोर तो ये पूरा जब सॉल्व होगा तो ये आएगा टू प्लस टू कितना आएगा सर जी टू 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 कितना आएगा टू, टू 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 ठीक है इधर कितना है जीरो 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 अब भैया प्लस टू को जीरो बनाया जा सकता है कैसे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे सर जी दो कल दो ना अब तो आप सीख गए हैं अपन लोग यार क्योंकि अब हो जाएगा माइनस टू माइनस टू कैसे हो जाएगा जीरो बिल्कुल शानदार शानदार मजेदार लाजवाब ये हो गया भैया प्लस टू इलेक्ट्रॉन शानदार तरीके से ठीक है 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 यह दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए उधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ये बता दो उधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे ये बता दो जल्दी सर यहां अगर देखें तो इधर देखिए इधर कितना दिख रहा है चार्ज सर ये तो जीरो है एक के ऊपर थ्री प्लस है दो के ऊपर हो जाएगा प्लस सिक्स इधर प्लस सिक्स का चार्ज है मैंने कहा ठीक है इधर देखो सर एक के ऊपर प्लस है चौदह ओह माई गॉड प्लस फोर्टीन और इसके ऊपर माइनस टू टोटल ट्वेल्व सर इधर बारह का चार्ज है इधर छह का चार्ज है बड़े साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं कर देते हैं भैया कितने करेंगे सर जी कितना माइनस करोगे कि छह बन जाए सर माइनस सिक्स करो तो माइनस सिक्स मतलब छह इलेक्ट्रॉन ओके प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दिए भैया भैया कर दिए चार्ज भी बैलेंस हो गया सर सर चार्ज भी बैलेंस हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है चार्ज भी बैलेंस हो गया कोई दिक्कत नहीं है आप करते हैं बैलेंस द इलेक्ट्रॉन चार्ज बैलेंस हो गया सर जी आप करते हैं बैलेंस द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बैलेंस द इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्टेप नंबर फोर स्टेप नंबर फोर क्या है सर जी बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन स्टेप नंबर फोर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन चलो चलो अब मुझे बताओ इस वाले में दो इलेक्ट्रॉन है इस वाले में छह इलेक्ट्रॉन है कैसे बराबर करूं सर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं हम हम जानते हैं मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं टू में किसका इंटू करूं कि सिक्स हो जाए सर कर दो ना कर दो ना इंटू थ्री कर दो ना इन टू थ्री कर दो न थ्री का करो थ्री टू या सिक्स प्लस थ्री एसओ टू चलिए फिर थ्री प्लस ट्वेल्व एच प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन शानदार मजेदार लाजवाब चलो इधर आ जाओ इधर एज एटेज दो, सिक्स इलेक्ट्रॉन फोर्टीन एच प्लस प्लस सी आर टू और सेवन माइनस टू फिर टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ठीक है बिल्कुल सर आप देख लीजिए सर दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो गए अब कर दीजिए एडिंग अब कर दीजिए एड जैसे आप एड करेंगे सर आपका फाइनली चीजें तैयार हो जाएंगी जैसे ही आप एड करेंगे फाइनली आपकी चीजें तैयार हो जाएंगी एक तरफा तैयार हो जाएंगी, एक तरफा तैयार हो जाएंगी सर एक तरफा चलिए स्टेप नंबर फाइव फिर से एक स्टेप का आ रही है तो कंफ्यूज नहीं होना मैंने दो स्टेप को मिला के बैलेंस ऑल द एटम्स कर दिए थे बिल्कुल मजा आने वाला है सर करें घबराना नहीं है बस जो घबरा गया उसके साथ दिक्कत हो जाएगी जो घबरा गया उसके साथ दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल यह सबसे आसान चीज होती है अगर आप करेंगे तो और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है चल स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फाइव करें चलो स्टेप नंबर फाइव क्या है सर एडिंग बोथ द हाफ सेल एडिंग बोथ द हाफ सेल चलो करो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड ठीक है क्या है थ्री एसओ टू प्लस सिक्स एच टू प्लस चौदह एच प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस इलेक्ट्रॉन येस राइट साइड वाले को ले आओ थ्री एस ओ फोर माइनस टू प्लस बारह एच प्लस प्लस टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ प्लस छे इलेक्ट्रॉन बहुत शानदार अब देखो छह इलेक्ट्रॉन से छ इलेक्ट्रॉन तो गए पानी कितने छ पानी गए किससे इससे से बचा एक पानी ये देखो बारह एच प्लस ते गए कितने बचेंगे दो एच प्लस बस खत्म बस खत्म अब लिख दो क्या बचा हुआ है थ्री एसओ फोर हम्म थ्री एसओ टू प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू प्लस टू एच प्लस गेवस थ्री एस ओ फोर माइनस टू टू सी आर प्लस थ्री प्लस एच टू लग रहा है मेरे को तो एक बार मैं जब तक नहीं हूं मैं मिला नहीं लेता हूं तीन एस तीन एस सी आर टू दो सी आर टू ठीक है सात और छे तेरह बारह और एक तेरा दो एच प्लस दो एच प्लस ठीक है डन, डन 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 कोई रोक के तो बताए कोई रोक के तो बताए कोई रोक के तो बताए बिल्कुल शानदार बिल्कुल नारन नारना ये देखिए भैया फिर से बैलेंस 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 फिर से बैलेंस क्वेश्चन नंबर फोर जो था बैलेंस हो गया है बैलेंस हो गया है मैच करके आ जाए क्या चलो मैच करने अट्ठारह का चौथा नंबर किधर है रे सामने आने का बराबर ये आगे रे नीचे तो मैच करने का Cr2O7 सी आर CR2 टू ओ सेवन माइनस टू सी आर टू ओ सेवन माइनस टू कुछ भी नहीं है प्लस थ्री एसओ टू थ्री एसओ टू प्लस टू एच टू एच प्लस यस सही जा रहे हैं उधर देखो थ्री एसओ फोर टू माइनस प्लस टू सी आर प्लस ये देखिए और प्लस एच टू होगा अकेला बिल्कुल ले लीजिए सर स्क्रीन शॉट खतम चारों बैलेंसिंग हो गई है यही सबसे बड़ा था भैया सबसे बड़ा यही था यही था सबसे बड़ा बैलेंसिंग में यही था सबसे बड़ा बैलेंसिंग में जल्दी 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 फटाफट शानदार लाजवाब हो गया कोई दिक्कत तो नहीं जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो ठीक है पीछे के तो नहीं देख रहे ना अरे देख तो लिए थे सब अपन ये यहां पर डी वाला यहां पर होता है समाप्त एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं पूरा फिर से ये सी मैंने बस नीचे का देखा है ऊपर का देखना भी नहीं मैंने है मैंने खुद करवाई ये सेकंड का ये सारी स्टेप थी ये था क्वेश्चन जल्दी स्क्रीन लो और अपन अब चलते हैं लास्ट वाले पे सी और डी अब आते हैं नाइनटीन पे इसमें भी करना है सर मजा आएगा इसमें भी जल्दी क्वेश्चन को देखिए फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं बैलेंसिंग चलिए करें क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वैसे 18 में सीख लिया कैसे क्या करना है 19 में भी पता है मैं क्या करूंगा मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बताऊंगा सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से क्यों बताना चाह रहे हो आप क्योंकि बेटा यही सबसे टफ होता है एक दो क्वेश्चन में मैंने पीछे आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड तो कराया हुआ है तो वो बहुत ईजी क्वेश्चन है उससे कोई दिक्कत नहीं अपन खेलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन से और पता है एक हाथ तो मैं आपको होमवर्क दूंगा सर एक हाथ आप भी तो करके बताओ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है ठीक है तो एक मैं करके बताऊंगा बाकी फिर आपको करना है चलिए तो पहला वाला देखते P4 फोर <coughs> प्लस ओ एच माइनस ठीक है भाई पीछे लिखना पड़ेगा अपन को अपन को पीछे चल के करना है यहां नहीं करना है भाई पीछे चल के करना है चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ क्या है सर जी चलो रन नारण पी फोर प्लस ओ एच माइनस पीएच थ्री प्लस एच पीओ टू माइनस एचपीओ टू माइनस एचपीओ टू माइनस पी एच थ्री और पी फोर प्लस ओ एच ठीक है सर ये डन अब समझो ये मेन रिएक्शन आ गई <coughs> पहले इसमें पहचानो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है सर पहली स्टेप यही होती है कि पहले आप पहचानिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है ठीक है सर पहचान लेंगे डन कोई दिक्कत की बात नहीं आ जाओ सर ये तो जीरो है इधर आ जाओ सर x प्लस वन इंटू थ्री इक्वल टू जीरो तो की पावर, पावर माइनस थ्री आ जाओ वन प्लस फॉस्फरस एक्स प्लस माइनस टू इंटू टू इक्वल टू माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन थ्री माइनस वन तो एक्स की वैल्यू टू आ रही है एक्स की वैल्यू क्या आ रही है टू आ रही है टू बोले तो प्लस टू अब आप खुद सोचो सर अब आप खुद सोचना बिल्कुल मजेदार तरीके से सोचना मजा तभी आता है जब आप मजेदार तरीके से सोचोगे सर <coughs> सोचो सोचो रे सोचो सर क्या सोचना है ये भी तो बता दो सर सोचना ये है कि जीरो से माइनस थ्री जीरो से माइनस थ्री मतलब क्या कहलाएगा क्या सर जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो से माइनस थ्री गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा रिडक्शन ठीक है सर और यहां पर देखिए तो ये यहीं से यहां पे अगर आप देखो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो से प्लस टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन सर ये तो डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन है क्योंकि एक व्यक्ति का ही रिडक्शन और एक ही व्यक्ति का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है मैंने कहा बिल्कुल इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन बहुत ही काबिलियत तारीफ एक नंबर एक नंबर एक नंबर काबिलियत तारीफ बढ़िया मजेदार एक नंबर चलो 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 आगे देखते हैं अब क्या होता है सर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गया ना ठीक है अब भैया डिवाइड कर लो दोनों हाफ सेल को सर पहली स्टेप मैं पूरी स्टेप्स नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बताऊंगा पहली स्टेप स्टेप नंबर वन डिवाइड द टू हाफ सेल ठीक है डिवाइड द टू हाफ सेल कौन कौन ऑक्सीडेशन और इधर पे रिडक्शन ठीक है सर सर तो ऑक्सीडेशन में अगर हम बात करें तो सर जी ऑक्सीडेशन में क्या होता है सर जी बात को समझना ऑक्सीडेशन में क्या हुआ P4 ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना लिया HPO2- माइनस यहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ यहां पर जीरो था यहां पर क्या आया अपन ने अभी चेक किया था चार दो प्लस टू आ रहा था क्या आ रहा था प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन का सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों को अपन ने अलग अलग डिवाइड कर दिया ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन और ये हो गया अपना रिडक्शन और दोनों को अलग अलग करके अपन ने कहा अब अपन आगे बढ़ेंगे और रिएक्शन को फॉरवर्ड करने की कोशिश कर... <coughs> करेंगे हमने कहा ठीक है सर डन अब सर सेकेंड स्टेप जो होती है स्टेप नंबर टू लिख देता हूं मैं स्टेप नंबर टू क्या होती है स्टेप नंबर टू सर स्टेप नंबर टू होती है एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लेकिन मैं सारों को एक साथ कर दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है सारों को एक साथ भी करोगे चल जाएगा चलिए सर लेके आइए क्या है सर जी पी फोर फिर क्या है एच माइनस सर आप ध्यान से देखिए यहां पर कितने फॉस्फोरस है चार यहां कितने एक तो यहां जाएगा पहली बात तो फोर गया फोर अब यहां पर ऑक्सीजन देखिए कितने फोर टू झा एट यहां एक भी नहीं है सर जी ऑक्सीजन किससे बैलेंस होता है ओहो एट एच टू एट एच टू अब आप ध्यान से देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए चार यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए सोलह सर तो चार हटा दोगे तो कितने बचे बारह तो यहां आ गए बारह एच प्लस क्योंकि तो सर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है अब चेक कर लो सर बारह और चार सोलह सोलह दो चार और दो आठ ऑक्सीजन आठ ऑक्सीजन चार फॉस्फोरस चार फॉस्फोरस यस इधर आ जाओ इधर क्या है सर जी पी फोर से गाड़ी बन रही है पी एच थ्री ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर जी यहां पर फोर है तो यहां पर फोर लगा देते हैं लगा दिया फोर का क्या होता है ट्वेल्व तो यहां पर कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे बारह हाइड्रोजन ये आ गए सर जी बारह हाइड्रोजन कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल चिल चार और बारह सोलह एट टूजर सिक्सटीन वहां पर अगर देखे तो पी फोर फोर उजर आ गया फोर थ्री ट्वेल्व तो यहां बारह हाइड्रोजन बिल्कुल सर बढ़िया चल रही है गाड़ी एक नंबर कतई जहर बोल सकते हैं आप क्या बोल सकते हैं कतई जहर चलो आगे बात करेंगे अभी तो अभी तो गाड़ी आगे बात करेंगे ये हो गया बैलेंस ऑल द एटम अब जो थर्ड आता है उसमें करते हैं बैलेंस द चार्ज बैलेंसिंग द चार्ज किसको बैलेंस करते हैं सर जी बैलेंसिंग द चार्ज अब बैलेंस करेंगे चार्ज को डन आ जाओ क्या स्टेप है बैलेंसिंग द चार्ज स्टेप थ्री बैलेंसिंग द चार्ज क्या यहां पर देखो एट एच टू ओ पी फोर फोर एच पी ओ टू माइनस प्लस ट्वेल्व एच प्लस चार्ज बैलेंस करेंगे क्या बैलेंस करेंगे चार्ज चलो सर यहां पर तो देखिए किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है मतलब जीरो यहां चेक करो सर एक के ऊपर माइनस आगे चार लगाए तो माइनस फोर प्लस एक के ऊपर प्लस बारह लगाए तो बारह बारह में से चार क्या कितने बचेंगे आठ तो ये प्लस एट है भैया इधर कितना जीरो तो जीरो बनाने के लिए क्या करें माइनस एट होना चाहिए माइनस एट का मतलब प्लस आठ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे आठ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे ठीक है सर सर डन 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 डन, डन। जी तो अब हो गया चार्ज बैलेंस देख लो अब चार माइनस ठीक है आठ माइनस कितना हो जाएगा बारह माइनस और यह बारह प्लस खत्म खेल खत्म 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 खेल छोटू कर ले छोटू करके लिया था छोटू 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 चल छोड़ो, 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 इसको ले आओ ऊपर चलो चल। अब देखो इधर कोई चार्ज नहीं जीरो जीरो इधर कितना है सर जीरो माय गॉड प्लस ट्वेल्व तो प्लस ट्वेल्व को हटाने के लिए क्या करें सर सर, प्लस ट्वेल्व को हटाने के लिए माइनस ट्वेल्व करना पड़ेगा बिल्कुल 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 प्लस ट्वेल्व को हटाने के लिए माइनस ट्वेल्व मतलब इधर पे बारह इलेक्ट्रॉन है भगवान इस बार क्या होने वाला है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है बारह इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं आप गाड़ी को क्या होने वाला बारह इलेक्ट्रॉन सर बारह गजब 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 बारह इलेक्ट्रॉन होने वाले बारह हमने कहा ठीक है सर समझेंगे

ट्वेल्व टूजा ट्वेंटी फोर और एट थ्री झा ट्वेंटी फोर बात समझ रहे हैं अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन को टू से इंटू कर दू सर अपन फोर्थ वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं जब अपन को क्या करना है सर जी बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन तो सर देखिए बारह दूनी कितना हो जाएगा चौबीस चौबीस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस वाली को मैं इंटू कर दू कितने से थ्री से तो एट थ्री भी कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर तब बैलेंस हो सकती है इलेक्ट्रॉन ठीक है सर बिल्कुल सर मिल गया तो भैया अगली स्टेप जो है वो है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन चलो बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन ठीक है इनटू करिए थ्री एट्स आ ट्वेंटी <coughs> फोर प्लस थ्री पी फोर थ्री फोर जार ट्वेल्व एच पीओ टू माइनस बारह दिया छत्तीस एच प्लस एट थ्री जार ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन चलो इधर आ जाओ ट्वेल्व टू झार ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वेंटी फोर एच प्लस प्लस टू पी फोर एट पी एच थ्री यह हो जाएगा सर ये अपनी आ गई दोनों रिएक्शन बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन सॉरी बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन अब दोनों को ऐड कर दीजिए लास्ट स्टेप है बिल्कुल दोनों को ऐड कर दीजिए इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे देखिए सर ये राइट साइड में इलेक्ट्रॉन है ये लेफ्ट साइड में एक दूसरे को कैंसिल करते हुए चले जाएंगे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी मैंने कहा अभी देखते हैं मजा आ रहा है सर मजा आएगा टेंशन मत लो बढ़िया बनेगा अभी एकदम तरीके से आएगी सारी चीजें जल्दी 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 बस फटाफट करो आप बस फटाफट करो ऊपर वाला हटा दो पूरा ही हटा दो चलो सर पूरा हटा दो पूरा चलो न ना, 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 ना। चलो क्या करेंगे दोनों को ऐड करना है एडिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन ठीक है बोथ द बोथ द हाफ सेल लिखो एडिंग बोध हाफ सेल चलो कल तो क्या आएगा 2P4 प्लस 24H प्लस प्लस इधर क्या है 3P4 प्लस 24 वाटर अब राइट हैंड साइड वाली चीज है क्या है बारह एच पी ओ टू माइनस प्लस छत्तीस एच प्लस अरे अभी सब उड़ा देंगे टेंशन मत लो प्लस एट पी एच थ्री बस अब मैच करके देख लो सही लिखा है ना ये तीन चीजें आएंगी यहां पर बस ठीक है और यहां पर आएंगे चार चीजें टू और तो, थ्री फाइव ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फो, ठीक है अब देखो सर मजा तो अब आएगा इन दोनों को फाइव लिख सकते हैं अभी लिख लेंगे थीके? यहां पर चौबीस वो एच प्लस है यहां से उड़ जाएगा यहां बचेंगे बारह एच प्लस बारह एच प्लस कर लो इसको पहले इन दोनों को प्लस करके लिख देंगे फाइव पी फोर प्लस ये तो गया ट्वेंटी फोर एच टू ओ क्या बचेगा बारह एच पी ओ टू माइनस प्लस बारह एच प्लस प्लस एट पी एच थ्री अब एक चीज और बताऊं

चलो भैया तो बेसिक में ले आने के लिए क्या करें सर जी दोनों साइड ओ एच माइनस को एड करते हैं एड कित माइनस एड OH करेंगे जितने प्लस ट्वेंटी फोर एच टू ओ प्लस कितने हो जाएंगे ट्वेल्व ओ एच माइनस गिव्स ट्वेल्व एच पीओ टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा बारह एच प्लस बारह ओ एच माइनस प्लस एट पी एच थ्री बहुत शानदार और ये जो होता है ये इसको कहते हैं बारह वाटर अगर ये बारह वाटर बन गए एच प्लस ओ एच माइनस तो यहां से पूरे चले जाएंगे बारह से बारह क्या बचेगा यहां पे सिर्फ बारह बचेगा ठीक है तो फाइनली जो लास्ट आ गई हमारी जो लास्ट आ गई वो क्या आएगी फाइव पी फोर प्लस हम्म बारह एच टू ओ प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस बारह एच पी ओ टू माइनस प्लस एट पी एच थ्री सर जी ये है एक बात देख लीजिए जल्दी 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 फटाफट जल्दी 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 फटाफट एक बार मैच करें फाइव फोर जार ट्वेंटी ट्वेल्व बारह और ये आठ बीस हो गए हाइड्रोजन मैच करो बारह दुनी चौबीस चौबीस और बारह छत्तीस बारह ही हो गए एट थ्री जार ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और बारह छत्तीस ऑक्सीजन देखो बारह बारह चौबीस बारह दोनी चौबीस यस सर बैलेंस्ड है सर जी बैलेंस्ड है और कौन से मीडियम में कर दी बेसिक मीडियम में चेक कर लो ये देखिए सर इस तरीके से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा देखिए कितनी शानदार तरीके से बैलेंस हो गई है बढ़िया 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 <coughs> मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होगी जल्दी देखिए जल्दी शानदार तरीके से लाजवाब तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डन इसी तरीके से चीजों को करते चलना है ठीक है तो ये जो फर्स्ट वाला है ये मैंने आपको करवा दिया है सर जी मैंने कहा था कि देखो इसी के जस्ट पहले वाला अट्ठारह वाले क्वेश्चन में मैंने चार बैलेंसिंग पढ़ाई और एक ये पांच करवा दी अब दो आप लोग के लिए होमवर्क है दो आप लोग के लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको मुझे कहां देना है कमेंट सेक्शन में सर देना पड़ेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है चलो डन डन बिल्कुल ये दो आंसर आपको मेरे को देने कमेंट सेक्शन के अंदर ठीक है और सेम ऐसे करेगा ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत इजी होता है सर बच्चा फंसता है आयन इलेक्ट्रॉन में बच्चा काय में फंसता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में किसमें फंसता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तभी मैंने कहा कि आप वो थोड़ा देख लीजिए बिल्कुल 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 शानदार तरीके से मजेदार तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं है चलो डन डन, डन, डन ठीक है क्लियर चलिए तो भैया और C, आपके क्या है होमवर्क चलो चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी चलिए हो गया चले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ ये देखिए सर क्या बढ़िया क्वेश्चन है मजेदार क्वेश्चन है चलो करें सॉल्व चलिए चलिए देखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी शानदार एक तरफा क्वेश्चन है सर बोले तो खतई जहर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या बोल रहा है सर जी शॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन रिएक्शन इस reaction से आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या होगा किसने क्या जाना कैसे क्या होने वाला हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है मैंने कहा यार देखो यार साइनाइड वाले कंपाउंड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इसमें आप ध्यान से देखो तो एक ये है एक ये है और एक ये है ये दो तीन कंपाउंड है साइनाइड वाले जो अपन को बहुत दिख रहे हैं। तो इनको पकड़ लो सबको और इधर पे अपन निकालेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने कहा ठीक है ठीक है हमने कहा ओके सर कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल ऑल सेट बिल्कुल ऑल सेट अब अगर इस कार्बन को देखें तो सर इसको एक्स मान लेते हैं प्लस नाइट्रोजन क्या होगा सर जी बताइए बताइए नाइट्रोजन क्या होगा जल्दी बोलिए जल्दी माइनस होगा प्लस होगा आप बताइए भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो माइनस होना चाहिए कितने सर जी दो हैं तो यहां भी टू और यहां भी टू इक्वल्स टू अगर आप देखें तो जीरो ही दिख रहा है कुछ है ही नहीं ठीक है तो टू एक्स इक्वल्स टू, टू सिक्स हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री आ रही है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं इधर आ जाओ इधर क्या हो जाएगा इसको मानेंगे x प्लस ये तो माइनस थ्री होता है सर जी फिक्स मतलब फिक्स है और इक्वल टू माइनस वन तो x इक्वल टू माइनस थ्री प्लस हो जाएगा तो थ्री माइनस वन तो x की वैल्यू हो जाएगी टू।, टू 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 इधर आओ अब जैसे ये देखो सी एन ओ है ठीक है अब यहां पर देखेंगे सर नाइट्रोजन ज्यादा के कंपैरिजन में आपका x प्लस ये हो जाएगा टू क्या हो जाएगा टू माइनस सॉरी नाइट्रोजन थ्री है माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन तो एक्स यहां पर देखिए कितना हो जाएगा आ, यहां हो जाएगा वन उधर जाके माइनस वन तो यह आ जाएगा माइनस टू ये देखिए सर इस तरीके की चीजें अपन को देखने को मिलेगी इधर पे अपना आ रहा है थ्री इधर पे आ रहा है अपना प्लस टू और इधर पे आ रहा है अपना माइनस टू इस तरीके की चीजें हैं देखो ध्यान से देखेंगे इसको ध्यान से देखेंगे अपना ये अपन देखें पहला वाला जब y इक्व थ्री आया है, दूसरे वाले में अपन कितना ले रहे हैं सर जी जो मैंने किया वही किया हुआ है बिल्कुल सेम पहले काम करो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो रुको एक मिनट रुको लिख लेते हैं एक जगह पे बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं फिर कंपेयर करते चलेंगे ठीक है देखो सी कितना दिया हुआ है इसमें एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू अपनी थ्री आ रही है फिर अपन ने साइनाइड में चेक किया साइनाइड में कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू टू फिर अपन ने सी एन ओ माइनस में चेक किया इधर कितनी आ रही माइनस टू ठीक है माइनस टू, टू। बिल्कुल।, बिल्कुल 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 माइनस टू माइनस टू माइनस टू, माइनस टू। बिल्कुल 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 शानदार लाजवाब अब क्लियर करो सर नर नर न ठीक है ये देखिए बिल्कुल यही किया है अपन ने ये देखिए प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर प्लस फोर चलो देखते हैं अभी देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये देख रहा है एक थ्री आ गई ऊपर वाली फिर देखो उसके बाद ये कितनी आ गई है माइनस वन ये सी का है अच्छा अरे यार अपन ने इधर पे गलत कर दिया ना जल्दी जल्दी में आपने बोला ही नहीं है नाइट्रोजन कितना होगा भैया माइनस थ्री होगा ना अरे यार ये या आप लोग ने बोला भी नहीं है क्योंकि भैया कार्बन है ना कार्बन पॉजिटिव है तो ये पर माइनस हो जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस फाइव उधर जाके तो ये हो जाएगा अपना फोर प्लस का फोर भाई ये चीज याद रखो मैंने ध्यान भी नहीं दिया मैंने जल्दी जल्दी में वो लिख दिया आपके सामने जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं दिया मैंने वही लिख दिया बल्कि यहां देखो ना कार्बन अगर पॉजिटिव है तो बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो ये देखिए सीएनओ में कितना आ गया सर जी प्लस फोर आ गया अब समझो सर थ्री से ध्यान से समझना थ्री से टू मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है और थ्री से फोर मतलब लॉस कर दिया मतलब यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन तो एक ही व्यक्ति का रिडक्शन और एक ही व्यक्ति का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या नहीं सर जी इट इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन तो प्लस थ्री प्लस टू प्लस फोर इट इज कॉल्ड एस डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन इट इज कॉल्ड एस डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन जल्दी देखेंगे इट इज कॉल्ड एज रिएक्शन पहले लेंगे बिल्कुल ठीक है तो वो याद रखना अपन ने जल्दबाजी में क्या करा है कि मैंने इसको देखा ही नहीं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया तो ये दोनों माइनस में जाएंगे ये देखिए पढ़िए इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे जल्दी पढ़ेंगे इट इज कॉल्ड एस डिसपोनेशन रिएक्शन जल्दी 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 सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूज साइमल्टेनियसली इन द रिएक्शन द रिएक्शन इन विच द सेम कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड इज नोन एज डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन देन वी कैन सी दैट अल्कलाइन डीकोजिशन ऑफ साइनोजन इज आर डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे डिस्प्रपोनेशन रिएक्शन तो सर देखिए शानदार ट्वेंटी क्वेश्चन हो गया अपना क्लियर 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 बिल्कुल 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 एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर बिल्कुल शानदार तरीके से मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से ठीक है हाँ क्या बोल रहा है एम एन थ्री प्लस आय इजस्टेबल इन सोल्यूशन एंड अंडर गोटोनेशन रिएक्शन टू गिव एम एन टू प्लस एम एन ओ टू एंड एच प्लस आय राइट असनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन भैया देखो पहले तो बताओ क्या बोल रहा है एम एन प्लस थ्री है जो कन्वर्ट हो रहा है एम एन टू प्लस प्लस एम एन ओ टू प्लस एच प्लस आय रिएक्शन मना रहा है इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख के दिखाइए क्या लिख के दिखाइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने कहा ठीक है सर कर देंगे बैलेंस कर देंगे कर देंगे कर देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है चिल एकदम चिल इतना घबराने वाली बात थोड़ी है इसमें डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन है वो तो क्या है सर जी डिप्रपोनेशन रिएक्शन है चलो पहले तो मुझे ये बताओ प्लस थ्री से प्लस टू मतलब क्या कहलाएगा गेन है ना प्लस थ्री से प्लस टू का मतलब क्या होता है अबीसी का गेन 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 मतलब रिडक्शन इधर चेक करोगे इधर आएगा प्लस फोर तो सर प्लस थ्री से प्लस फोर क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो सर ऑक्सीडेशन भी मिल गया और रिडक्शन भी मिल गया सर एच प्लस नहीं लेते अपन में तो जाए नहीं चाहिए उठा लो स्टेप नंबर वन पहले ऑक्सीडेशन ले लिया एम एन प्लस थ्री से एम एन ओ टू अच्छा एक चीज और मैं पूरी स्टेप नहीं लिखूंगा जल्दी जल्दी करूंगा बस ठीक है और यहां पर रिडक्शन आएगा सर कैसे जल्दी करेंगे थोड़ा सा बताएंगे हमें अरे मैंने कहा अभी आप देखो आप खुद बोलोगे सर क्या शानदार किया है आपने बस एक एक स्टेप समझाते चलूंगा लेकिन अपन ने ऑक्सीडेशन लिखा है और यह अपन ने रिडक्शन लिखा है लग रहा है तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इनको यह तो होगा नहीं ऊपर बस ये थोड़ा छोटा होकर रखा जाएगा इधर पे ये हो गया ना ठीक है ठीक है अब देखो स्टेप नंबर तो वन यही होती है कि दोनों को डिवाइड कर लो फिर स्टेप नंबर टू होती है कि सर जी एटम को बैलेंस करो किसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के तो एम एन वन है MN1 है MN1 है, MN1 है, MN1 है हो गया हो गया गया भैया बैलेंस हो गया वाली स्टेप स्टेप थर्ड क्या होती है बैलेंस करिए एटम को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इधर तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं तो ये तो एज इट इज रहेगा इधर है कितने ऑक्सीजन है दो ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते हैं सर जी पानी दो पानी ये हो गया दो पानी अब कितने हाइड्रोजन है चार तो चार हाइड्रोजन के लिए क्या लाते हैं H प्लस ये देखो सर ये वाली स्टेप भी हो गई हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए इसमें तो थे ही ही नहीं नहीं तो कोई दिक्कत इसमें थे बैलेंस कर लिए स्टेप नंबर थ्री क्या होती है सर बैलेंस द चार्ज चार्ज को बैलेंस करना है मैंने कहा ठीक है सर यहां बताओ कितना चार्ज है सर ये तो जीरो इसी के ऊपर है बस प्लस थ्री और इधर कितना है सर जी सर देखो हाइड्रोजन के ऊपर वन होता है लेकिन चार हाइड्रोजन है तो इधर हो जाएगा प्लस फोर अब भैया क्या तरीका होता है बैलेंस करने का मैंने कहा था जहां पर ज्यादा हो वहां कम कर दो अच्छा तो सर जी इसको कम करने से तो कोई मतलब नहीं है इसको कम करो कितना कम करूं कि तो मैंने कहा माइनस वन कर दो माइनस वन कर दोगे तो प्लस थ्री हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से और माइनस वन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत शानदार यह थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने का इधर उधर इधर उधर ठीक है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो ऑक्सीडेशन वाले साइड राइट हैंड साइड पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और बैलेंस द चार्ज हो गया क्योंकि अब इधर पे भी थ्री है और इधर पे भी थ्री है कोई दिक्कत की बात नहीं चिल अब बात आते हैं रिडक्शन वाले साइड पर अरे बहुत शानदार कतई जहर कैसा कतई जहर रिडक्शन वाले साइड पे देखो तो यहां पर कितना है सर जी प्लस थ्री और यहां पर कितना है प्लस टू अब भैया क्या करें सर सर मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन वाले साइड या किसी भी साइड राइट में इलेक्ट्रॉन आए तो उसके दूसरे वाले साइड में रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन हो उसमें लेफ्ट में आएंगे पक्की पक्की बात बात है बात है तो इधर ही आएंगे इलेक्ट्रॉन अब देखो इधर कितना चार्ज है प्लस थ्री इधर कितना चार्ज है प्लस टू करें बैलेंस बैलेंस करने के लिए बराबर करना है बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी बड़े वाले को छोटा करो तो माइनस वन कर दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर पे एक इलेक्ट्रॉन इधर पे अब हो गया बैलेंस क्योंकि माइनस टू करेंगे जैसे ही हो जाएगा आपका प्लस टू और प्लस टू प्लस टू बैलेंस प्लस टू प्लस टू बैलेंस प्लस टू प्लस टू बैलेंस 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 प्लस टू प्लस टू बैलेंस ये देखो सर अब हो गया बैलेंस अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने क्या बैलेंस करने सर जी इलेक्ट्रॉन बैलेंस क्या बैलेंस करने इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान से देखो तो सर इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है हां इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है कैसे बैलेंस्ड है एक इलेक्ट्रॉन इधर पे ऑक्सीडेशन वाले साइड और रिडक्शन वाले साइड भी कितने इलेक्ट्रॉन है एक ही है तो इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो सर लास्ट स्टेप पे जाइए स्टेप नंबर क्या थी एडिंग द टू हाफ सेल बस चुपचाप दोनों हाफ सेल को जोड़ दीजिए भाई आपकी रिएक्शन हो गई बैलेंस मैंने हर एक स्टेप बोली है बेटा आपके सामने भली मैंने सारी स्टेप नहीं लिखी लेकिन हर एक स्टेप बोल के बताइए चलो एम एन प्लस थ्री प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे और कुछ ये भी एम एन थ्री प्लस प्लस टू एच टू प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एम एन ओ टू प्लस चार एच प्लस देखो मैंने क्या कहा था एच प्लस अपने आप आएगा ये देखो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दो पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर ये दो बार नहीं है दो बार है तो एक ही बार में लिख लो ना इसको दो बार है तो इसको एक ही बार में लिख लो ना चलो टू एम एन क्या था प्लस थ्री हां एम एन थ्री प्लस ठीक है बाकी आप क्या करना है ये हटाओ ये भी हटाओ ठीक है ये बन गई आपकी रिएक्शन चेक कर लीजिए सर चेक कर लीजिए एक बार ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है देखो दो एम एन ए दो एम एन ए हाइड्रोजन कितने हैं चार चार हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कितने हैं दो दो बिल्कुल बैलेंस्ड है बिल्कुल बैलेंस एक बार देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल बैलेंस जी एक बार देख लीजिए जल्दी 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 फटाफट शानदार तरीके से बैलेंस आइनेक इक्वेशन है बैलेंस्ड आइनिक इक्वेशन है जल्दी देखिए जल्दी 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 बैलेंस्ड आइने इक्वेशन है चलिए डन 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 कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है चलो एक बार चेक कर लेते हैं पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार ले लो स्क्रीनशॉट। मैं क्या है फिर ऊपर वाला सब हटाऊंगा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया अपन ने सारी स्टेप नहीं लिखी है सर अपन ने बस कुछ स्टेप लिखी है ठीक है अपन ने सारी स्टेप नहीं लिखी है अपन ने बस कुछ स्टेप दिखाई है जिससे आपका काम हो जाए चलो ये देखो सर इनने भी वही करा ऑक्सीडेशन हाफ सेल को अलग कर लिया रिडक्शन वाले को अलग कर लिया और ये देखिए ये आपके सामने पूरी रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं अभी दो एच टू लिया बैलेंस करने के लिए ये देखो टू एम एन थ्री प्लस टू एच टू गिफ्ट एम एन ओ टू एम एन ओ टू टू एम एन और उसके बाद फोर एच एक चीज बताता हूं मैं आपको ये टू नहीं आएगा ये टू गलत कर दिया इनने ये टू आएगा ही नहीं क्यों नहीं आएगा रीजन बताता हूं क्योंकि अगर ये टू होता तो दो ये और एक ये तीन हो जाते हैं और यहां पर कितने सिर्फ दो ही है तो तीन और दो कैसे हो सकते हैं बराबर चाहिए तो अब देखो एक एक कितने हो गए दो और यहां देखो कितने रखें दो रखें अब बराबर है तो ये था सर जी ये वाला फटाफट 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 -फट, फटा जल्दी नोट डाउन करेंगे सर बढ़िया क्वेश्चन था एक तरफा एक तरफा एक तरफा, एक तरफा। बिल्कुल चलिए चेल कोई दिक्कत तो नहीं हटा दू डन चलिए बिल्कुल चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी हो गया सर देखा बढ़िया था क्वेश्चन एक तरफा चलो बढ़े आगे वाले क्वेश्चन के लिए एक नंबर क्वेश्चन है अगला वाला देखिए ओ अब तो एंड आ गया क्या करें अब देखेंगे अगले पार्ट में सर अभी तो क्वेश्चन बाकी है अभी तो ट्वेंटी टू से गाड़ी आगे चल रही है थर्टी क्वेश्चन है टोटल तो अभी आठ क्वेश्चन बाकी है सर इसमें अपन ने बैलेंसिंग देखिए तो बैलेंसिंग को बिल्कुल मत छोड़ना ठीक है बाकी ऐसे बने रहिए जल्दी आपके पास पार्ट थ्री आने वाला है कल और एक शानदार तरीके से उसको भी करेंगे खत्म तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच